अपना जो ब्लॉकचेन है वो बीएनबी स्मार्ट चेन है। ये ब्लॉकचेन जो है बड़ा है, देखिए बड़ा है, इसको मेंटेनेंस बहुत लगता है। पूरा दुनिया का जितना सारा कॉइन्स होगा आप देख सकते हो, जब आप बीएनबी का देखते हो तब इतना सारा डेटा, कई लोगों के, कई कंपनियों के ब्लॉकचेन, जितना टोकन होते हैं तो कॉइन, ये सारे ब्लॉकचेन में आता है, एक ही बीएनबी में। कई लोग, कई ब्लॉकचेन्स है, पर अपने यहाँ पर बिनांस का बीएनबी स्मार्ट चेन का ब्लॉकचेन जो है उसमें कई सारे टोकन कॉइन का एंट्री रहता है एट अ टाइम, मल्टीपल ऑफ डाटा इनपुट गोइंग ऑन राइट नाउ ऑल्सो। सो माइक्रोसेकंड माइक्रोसेकंड में अपना देखो पीवीसी मेटा बीएनबी एंट्रीज देखो, सेकंड 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 पर आता है। तो उसके लिए सर्वर तो बहुत बड़ा लगेगा, बहुत बड़ा काम चालू है। हम तो किराए का लिया है ना, और बहुत सारे सवाल होते हैं हमारा कब आएगा, पर ये जो काम है स्टेप बाय स्टेप चालू है। जब आप खुद खुद का जब करेंगे तो ये एक भी नहीं आएगा, आपको लॉजिक भी नहीं लगा सकते कि इतना काम हो रहा है, इतना यहाँ पर होता है काम। उसके बाद जो पीवीसी मेटा इंटरफेस पर आता है, देखिए यहाँ पर भी मैंने डायग्राम निकाली, सीड फंडिंग और यहाँ पर दो होता है टोकन फार्मिंग पीवीसी मेटा में इंटरफेस। तो 50 BUSD लगते हैं आपको। फिर यहाँ पर टोकन फार्मिंग में बहुत सारे पॉइंट्स है, स्ट्रक्चर बनाया है आपके लिए 20x20 का, कमीशन में स्पीड भी दिया है कौन से स्पीड पर हम जाना चाहिए, क्राइटेरिया भी दिया है 5 स्पीड का, कमीशन भी दिया है 20 लेवल का। फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन डिस्प्ले पीवीसी मेटा इंटरफेस होता है। और देखिए ये सीड फंडिंग कहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, बीएनबी स्मार्ट ब्लॉकचेन से ट्रांजेक्शन। जब आप सीड फंडिंग करते हो, जब स्टार्ट करते हो, सबमिट करते हो, तब वो कहां पर जाता है, माइक्रोसेकंड में, माइक्रोसेकंड में बीएनबी ब्लॉकचेन पर जाता है। जब आप लेते हो बीयूएसडी से ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस पर, बीयूएसडी के एड्रेस पर लेते हो, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट कहां पर हो रहा है, यहाँ पर पीवीसी मेटा के ऊपर। कैसे, उसके लिए भी प्रोग्राम करना पड़ा, एल्गोरिदम टेस्टिंग सब करना पड़ा है। इतना फास्ट मूवमेंट से आपको रेडी, देखो पिछले साल नोटिफिकेशन देने के बाद गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन था, ड्यू टू द रीजन ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी आर कमिंग इन क्रिप्टो करेंसी, वो नोटिफिकेशन भी आपको याद होगा। जिन नए 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 जो है उनको नहीं होगा, पर जो पुराने हैं उनको भी याद होगा कि वो स्टेटमेंट मेरे दिमाग में भी घूम रहा है। इतना हम मराठी में कहते हैं कि हजर जवाबी पना, यानी कि अवेयरनेस, जो अपना पर्लवेन जो है अवेयरनेस, अवेयरनेस रखा है, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वो नोटिफिकेशन देने के बाद, क्रिप्टो का नोटिफिकेशन देने के बाद भी पीवीसी मेटा पर्लवेन की वहां पर भी दिखाया कि डीपी इज गोइंग टू कन्वर्टेड इन टू क्रिप्टो करेंसी, वो भी दिखाया, वो भी करके दिखाया, वो भी यहाँ पर पीवीसी मेटा इंटरफेस पर आपके जो बीयूएसडी है ये ट्रांजेक्शन होने के बाद, ये ट्रांजेक्शन होता है वहां पर पूरा, और 10-15 मिनट में रिफ्लेक्शन होता है आपके यहाँ पर सीड फंडिंग में, स्टेकिंग में लगाया जाता है। स्टेकिंग आपको 0.25% आ रहा है, ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाया है, क्या दिमाग लगाया है, आपने सोचा है कभी कि ऐसे ऐसे हार्ड शेप बताया है, जैसे हमारे महासेनापति बताते सुनील जी पाटिल साहब, ये हार्ड शेप है। पहले सीड फंडिंग देखो, ये मैं सीरियसली बता रहा हूं कि ये बनाने के लिए भी दिमाग भी लगता है, ये आपके लिए बनाया, हमारे लिए बनाया। एक भी आपका जो डीपी है वैसे के वैसे उसका वैल्यूएशन है, दिया है आपको 85 रुपीज से, देखो बीयूएसडी अभी 93-94 रुपीज को, कल परसों तो 97 रुपीज को था, इतना आपके लिए दिया है, अपने लिए दिया है। तो सीड फंडिंग 0.25% से आपको कमीशन भी आ रहा है, और समझो 5,000-6,000 का कितना हो रहा है, जुलाई जुलाई में 85 रुपीज को था, आज 1200-1300 रुपए में है, 12 गुना 13 गुना आपको प्रॉफिट मिल चुका है, आपको मिल चुका है। और इसमें सीड फंडिंग में 50% दिया है, 50% फ्री, दैट इज रिकॉल्ड एज ऑफर।
आपको दिया है। 50 बीएसडी जिन्होंने 28 जुलाई को किया था, 50 के ऊपर 25 मिला, 100 के ऊपर 50% मिला, 10 के ऊपर 5 मिला, और अभी 4 के ऊपर 2 फ्री मिले, 6 मिले, तो मिले हैं आपको, ये एक्सेप्ट करना जरूरी है। 2 टोकन माने कितना हो गया, 24 रुपया, और ज्यादा हो जाएंगे, रेट्स बढ़ेंगे तो और ज्यादा होंगे आगे जाके। जो बीएनबी का टैगलाइन आप दिमाग के बीच में घूम रहा है ना, चार्जेस क्यों ले रहे, चार्जेस क्यों ले रहे, ये रहे, ऐसे बहुत सारा सवाल खड़े रहते हैं। तो आपको दिया है यहाँ पर, पिछले टाइम हमने पाठक साहब को पूरा सेशन भी सुना है, उन्होंने भी कहा, पूरा कहा है कि आपको दिया है सीड फंडिंग में 50% दिया है, 24 रुपए, जिनको जितना ज्यादा आपको टोकन मिले फ्री में, वो कैलकुलेट करके देखो कितना दिया है सीड फंडिंग में ही, ओनली इन सीड फंडिंग, बाकी का तो अलग है। ये तो सीड फंडिंग का ट्रांजेक्शन ऐसे होता है दोस्तों, और ये ब्लॉकचेन के लिए लगता है चार्जेस भी लगते हैं ना, रनिंग करने के लिए। हमारा तो रेंट में है, अभी रेंट में है तो लगेगा चार्जेस। हम समझो घर में किसी के रहते तो उसका भी मंथली रेंट देना पड़ता है, देना ही पड़ता है। सामने यानी कि ओनर आता है, 10 तारीख हो चुकी है, तो कोई भी अगर कोई रहता है तो उनको पता है। जब हम हमारे घर में रहते तो हमें सिर्फ ओनली एमएसबी का लाइट बिल देना पड़ता है, कुछ जो कुछ भी डेली रिक्वायरमेंट है वो देना पड़ता है, लेना पड़ता है, आपको तो पता ही। पर यहाँ पर ये यह अवेयरनेस कर रहा हूँ कि आपको 50% भी दे रहा है, और ये जो चार्जेस रहते हैं ट्रांजेक्शन के, वो आगे जाके देखेंगे, ये ब्लॉकचेन के लिए लगता है चार्जेस। जैसे आगे जाके और इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, तीसरा पेज में ट्रांजेक्शन जो होता है, बाइनेंस भी ले रहा है, और ब्लॉकचेन जो छोटा होता है बड़ा भी होता है, डिपेंड अपॉन द स्मॉल और लार्ज ब्लॉकचेन होता है, डिपेंड अपॉन द यूजर्स, डिपेंड अपॉन द नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क यानी कि ट्रैफिक होता है उसके ऊपर, एक्टिविटी जो होती है नेटवर्क एक्टिविटी उसके ऊपर भी होता है ये चार्जेस। इसलिए मेंटेनेंस के लिए ये चार्जेस लगता है। आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके देखो तो सर्वर, कोई भी बैंक में जाके तो उनको मेंटेनेंस चार्जेस कितना देना पड़ता है, एक बार घूम के आओ ऐसे 1-2-1-2 करके, कोई भी बैंक होगा वहां पर एंट्री नहीं मिलेगा आपको, नो एंट्री, क्योंकि सर्वर साइड पर एंट्री नहीं, किसी को भी नहीं होती वहां पर, सिस्टम एडमिन होता है ओनली वन, और कोई टेक्निकली वहां पर आप देने वाले जो होते हैं काम करने वाले, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, फॉलो होता है, वो पूरा एसी में रहता है, नो बॉडी कैन एंट्री इन दिस सर्वर साइड। ये ब्लॉकचेन को लगता है पैसा, हर एक को यहाँ पर, उनको भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर में अपडेट करना पड़ता है, फिर बहुत सारा, ये तो डीपली है पर शॉर्ट में बता रहे हैं कि क्या क्या लगता है इसको, मेंटेनेंस चार्जेस बहुत लगता है। आगे जाके देखेंगे ये इंटरफेस होता है, देखिए आपको ये तो पता, पूरा ब्लॉक डायग्राम दिखाया कि ये कैसे कहां से होता है, ये मेंटेनेंस चार्जेस, फिर हैश ट्रांजेक्शन, वो तो आगे जाके देखेंगे। पूरा जितना सारा वर्ल्ड से ट्रांजेक्शन आ रहा है यहाँ पर, तो उनको 24x7 आवर्स ये रन कर रहा है, आपको आप कभी भी देख सकते हो आपका ट्रांजेक्शन एनी टाइम। जो सवाल है हमारा सिक्योरिटी के बारे में, वो सिक्योरिटी बहुत सवाल पूछते सर सिक्योरिटी क्या है, कई लोगों ने जो निगेटिव थॉट्स होते हैं, निगेटिव थॉट्स, जो पुराना प्लान्स था, पुराने वो एनी प्रोडक्ट बेस, वो भी आपको, आप ऐसा एक एग्जांपल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने इनको पैसा दिया था, इनसे प्रोडक्ट लिए थे, हमारा पैसा उनके पास है, ये इनसे टारगेट करो, देखिए मेंटेलिटी कहां से लिया प्रोडक्ट, उन्होंने कंपनी से लिया, तो ये बात कर रहे किससे, इसे किसने प्लान दिखाया, इन्होंने प्लान दिखाया, तो इनको पकड़ो। ये थॉट्स जो होता है वो अभी पुराना हो चुका है, गया, डिलीटेड। अभी क्या है, अभी आपका पैसा आपके हाथ में है, सामने ट्रस्ट वॉलेट में, पीवी सीमेंटा के अंदर है आपका, ये किसी अपलाइन के पास गूगल पे फोन पे किया तो उसके ऊपर ब्लेम नहीं करना, ये आपके सामने प्रैक्टिकली सिंस आपके हाथ में है मोबाइल, आप सुन रहे हो, आप देख सकते हो आपका जो पूरा वैल्यूएशन है, जितना सारा टोकन फार्मिंग है, 5,000 का 1,000 का, ये आपके सामने है, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, प्रैक्टिकल देखा है, तो आपके पैसा आपके हाथ में, और ट्रांजेक्शन भी है, आप बाय सेल कर सकते हो आगे जाके, बहुत सारा एक्टिविटीज होने वाला है, बहुत सारा एक्टिविटीज, इट इज स्टार्टअप, इट्स स्टार्टअप,
अभी भी बहुत बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो ट्रायल बेस है, आगे भारत के बाहर जाके तो सिंगापुर में अभी एक्सपो है, दुबई में एक्सपो रहता है, वो भी देख के आओ एक बार। वर्ल्ड इज चेंजिंग नाउ, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, ये अपना पीवीसी मेटा भी चेंज हो रहा है, अपडेशन में रहता है। हर एक सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा कोई थोड़ा भी प्रोग्राम में चेंजेस होने के कारण कोई भी बैंक होगा उसका क्लस्टर अगर मूव हो गया तो 1:30 बजे 2 बजे आपको रुकावट करने के लिए वो खेद करते हैं। नहीं तो गूगल देखो, नहीं तो कोई भी गेमिंग का सॉफ्टवेयर देखो, कोई भी रमी सर्कल देखो, कोई भी कौन सा भी देखो, वहां पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आता है। ड्यू टू टेक्निकली अपडेट्स वी आर कमिंग बैक टू 2 to 3 days और 2 hours 3 hours लगता है टाइम। बैंक में भी काम चालू रहता है, बैकअप सर्वर्स, वो सारा सर्वर्स, थोड़ा सा पॉइंट अगर वहां पर प्रोग्राम चेंज हो गया तो वो प्रोग्राम चेंज करने के लिए वक्त लगता है। और जैसे समझो आप अगर खुद प्रोग्रामिंग को बैठे तो आपके भी दिमाग में मुझे ऐसा डिजाइन बनाना है, ये डिजाइन बनाने के लिए आपको कितना टाइम, लोगो बनाना है ये एक, यानी कि कितने आप 10 लोगो बनाते हैं तब आप जाके एक लोगो आप सिलेक्ट करते हो। जब आप इंटरव्यू में जाते हो 100 इंटरव्यू देते हो उसमें 50 इंटरव्यू सिलेक्ट होते हो, उसमें से अच्छे पैकेज वाले वो आप चुनते हो, उसके बाद जो आप पैकेज आप की क्वालिटी देखकर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं तो आपको कंपनी हायर करती है, आपके क्वालिटी पर, आपका ब्रेन पर दिखा जाता है। इसलिए यहां पर भी काम वैसे ही क्वालिटी के आपके सामने दिया है, क्वालिटी दिया है, वो भी देखो, अदर सॉफ्टवेयर देखो और अपना सॉफ्टवेयर देखो कितना इंटरेस्टिंग है और काम करने में कितना इंटरेस्ट है। ये वर्ड्स देखो ना, सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग, क्या वर्ड्स है, उससे प्यार करो ना। इतना सीड फंडिंग पहली बार सुना होगा, सीड फंडिंग यानी कि जो बीज होता है वो भी है और टोकन फार्मिंग है। यहां से वहां फिर टोकन फार्मिंग आए डिस्प्ले और काम चालू है। आगे जाके देखिए ये पूरा का काम जो होता है डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टाइप में, पूरा जो एड्रेस होता है आपका वहां पर नाम मोबाइल नंबर कुछ नहीं होता, नथिंग लाइक दैट, पूरा आपको एड्रेस भी नहीं रहता, घर का पिन कोड भी नहीं रहता, ये सारा डेटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का होता है। ये जैसे समझो हेलो वर्ल्ड होगा, एग्जांपल से ये लो क्लियर, जो प्लेन टेक्स्ट होता है आपने हेलो कहा तो वहां से सामने आपके समझो मैंने यहां से आवाज दिया हेलो दुर्गा साहब, तो वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा कोडिंग में, आपके पास आएगा इनक्रिप्ट, वो डिक्रिप्ट होके फिर वापस आएगा, ये क्लियरिटी होता है। इसलिए ये ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट होता है वो पूरा ब्लॉक में रहता है। इसका सेशन सीखना हो तो पूरा इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लॉकचेन का ऊपर पूरा C++ Java.NET बहुत सारा लैंग्वेज लगता है और आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, बहुत सारा डीप है, पर ये जानकारी आपके लिए ऐसे दे रहे हैं कि अपना सॉफ्टवेयर इतना अंदर कैसे काम कर रहा है। वहां पर टीम जो होता है काम करने वाले, प्रोग्रामिंग बहुत सारा होता है, ये ब्लॉक में हो रहता है, ब्लॉक 1, 2 और नंबर ऑफ ब्लॉक्स, मेनी ब्लॉक्स रहते हैं। जो आपका स्टेटमेंट है वो करने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट यानी कि इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होने के बाद यहाँ पर मैथमेटिकली हैश फंक्शन भी रहते हैं। जो हैश होता है वो क्रिएट कैसे होता है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक से लेकर नंबर ऑफ ब्लॉक्स, यानी कि थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा अब भी आप तो, पर सीधा लैंग्वेज में सादा यानी कि बताएंगे, अभी बताया था कैसे आपका इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट होता है। हेलो किया तो वहां से इनक्रिप्शन होता है, बार कोड में होता है, प्रोग्रामिंग में होता है, फिर वापस सुनाई देता है और वो भी अलग प्रोग्राम में फिर से हेलो आता है, तो यहाँ पर फाइनल आता है और हैश क्रिएट होता है, ट्रांजेक्शन होता है और पूरा बारकोड में होता है, पूरा का पूरा आपका एड्रेस देखो वो क्रिएट कैसे होता है ऑटोमेटिक। ये मैथमेटिकल जो हैश फंक्शन होता है पूरा गणित यानी कि गणित टाइप में होता है, इसलिए उसको हैश वैल्यू का नाम दिया है। ओके, ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा बैकहेंड पे इतना सारा काम रहता है। तो ये ब्लॉकचेन का काम है, ब्लॉकचेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द इंडस्ट्री, हर भारत में निधि आयोग होगा, बैंक्स हो गए, कृषि क्षेत्र में यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में महाराष्ट्र में पहली बार 2020 में आया, तो मुझे बहुत खुशी हो चुकी कि एवरी इंडस्ट्री आर गोइंग टर्निंग इनटू द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बिना दुबई में बिजनेस नहीं होता,
उनकी वहां पर जो है वो लेडीज जो चेयरपर्सन में है उन्होंने कहा कि बिना ब्लॉकचेन के हम एंट्री नहीं लेंगे, और कौन सा भी आने वाले जितने साल है वो कौन सा भी इंटरेस्ट है वो ब्लॉकचेन के बिना हम वहां पर एंट्री नहीं करते। वो वीडियो है, अगर मेरे पास मिला दो एक हफ्ते में तो आपको मैं सेंड करूंगा। इतना मूवमेंट हो रहा है, इतना कंट्री मूवमेंट हो रहा है, इसलिए ये हैश वो सब काम हो रहा है। देखो ये ब्लॉकचेन में, फिर बीएसएस स्कैन में जाता है, वो भी अलग वेबसाइट है बाइनांस का, वहां पर भी जा सकते हो। इसलिए सिक्योरिटी जो है इतना तगड़ा सिक्योरिटी है। आप सामने जो फ्रेंड्स है, नए दोस्त है, तो दुनिया को पता है अभी बाइनांस क्या है, बिटकॉइन क्या है। रेशो देखा जाए तो एनालिसिस भी करो, 1 लाख अबव जाने वाला है 2025। मीन्स ये एनालिसिस होता है बिटकॉइन, और 2030 $1,75,000। तो क्या है सिक्सर, ये क्यों? आपको पता है यूएस में बहुत सारा बैंक्स करप्शन यानी कि रॉबरी ड्यू टू दैट। ये एक हिस्टोरिकल सब जाएगा, और ये नया जनरेशन, नया टेक्नोलॉजी, नया सीखो। ये तो टाइम नहीं मिलेगा बाद में ये सीखने के लिए, और हमें भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। ये पूरा टाइम मैनेजमेंट है, ये इतना सारा डीपली है। ओके, तो आगे जाके ये पूरा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बताया, ये पूरा का पूरा ये डायग्राम जो है ये पूरा आप देख सकते हो, हैश फंक्शन क्रिप्टोग्राफिक, ये पूरा बारकोड में आता है। देखो आया ये बारकोड है, ये जितना DEFCD नीचे नंबर्स है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर भी अंदर ये जो ए है वो भी कोडिंग में लैंग्वेज में आपको ये डीपली है, पर यहाँ पे सिर्फ यहाँ से ट्रांजेक्शन कैसे होते, ये कैसे कन्वर्ट होता है अभी देखेंगे। आपका प्लेन टेक्स्ट ये प्लस और ये हैश इज इक्वल टू, देखिए पूरा ट्रांजेक्शन हुआ, होने के बाद ये हैश वैल्यू इन डिफरेंट वर्ड्स में आता है। ओके, होता है। अभी राइटिंग में थोड़ा आपके लिए लिखा है, और टोटली सॉफ्टवेयर फॉर्मेट जो है सीड फंडिंग टोकन फार्मिंग रिपोर्ट जो होते उसका भी काम अलग रहता है, उसको भी सिस्टम अलग से काम करती है। रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स डिस्प्ले होते हैं, सीड फंडिंग का रिपोर्ट्स, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, पाइथन, फिर डेटा वेयरहाउसिंग उसमें भी टाइप्स होते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्ट, फिर इंफॉर्मेटिका, कॉग्नोज, ये बहुत सारा लैंग्वेजेस है जिसमें रिपोर्ट्स, यानी कि रिपोर्ट्स माने आपका मैच होगा, व्हाट्सएप पर आता है, देखो रिपोर्ट आता है जब आप टाइप करते हो तो वहां पर आता है, डिस्प्ले होता है, बीच बीच में मैच का पूरा काउंटिंग आता है, कितना रन्स होगा, कितना हुआ, और जो डिस्प्ले होता है वो उसे कहते हैं रिपोर्ट्स। डैशबोर्ड, वो डैशबोर्ड आता है, वो सारा का काम डेटा वेयरहाउसिंग का होता है, पूरा डेटा वेयरहाउसिंग टॉपिक्स है, और डेटा वेयरहाउसिंग इज अ क्या करता है, पूरा हिस्टोरिकल डेटा यानी कि आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा, पूरा भारत का डेटा होगा, आधार कार्ड होगा, वो सारा का सारा डेटा वेयरहाउसिंग में होता है, वो कभी भी आप निकाल सकते हो, 100 साल बाद आपका नाम डालो वहां पर आता है, आपके म्युनिसिपल, आपका कॉर्पोरेशन, कौन सा भी स्टेट होगा, आपके जो जमीन होता है वो जमीन का भी रिकॉर्ड है, यू क्लिक करके आपके सामने आता है, वो सारा का सारा डेटा वेयरहाउसिंग में होता है, उसे बहुत सारा पीछे काम चलता है, ये अलग सा काम है। इसलिए टाइप्स ऑफ मेन्यूज भी आएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेशन में टाइम लगता है, टेक्स टाइम, बीएनबी चार्जेस रिक्वायर क्या लगता है, व्हाइल प्रोसेसिंग हाई डेटा। अभी आएंगे मेन पॉइंट पर जो आपके दिमाग में घूम रहा है, इसलिए मैंने कहा कि जो आपके पास है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो नहीं है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, जो आपके पास आया है सीड फंडिंग में दुगना आया है वो उसके बारे में सोचा ही नहीं है, वो तो दो दो दिया, तीन दिया, चार दिया, पांच दिया, टोकन फ्री दिया है, वो कहां पर है, वो आपके पास है। अभी 100 BUSD का जब आप डीपी जो है वो फार्मिंग कर रहे हैं उसके ऊपर 24-40 रुपया 84 रुपया लग रहा है, तो वहां पर भी रो रहे। अगर वो टोकन समझो 0.125 पैसे मिल रहा है तो मिल रहा है, तो मिल रहा है ना, मिलता है 7.72 मिल रहा है, प्रैक्टिकली दे रहा है। इट इज टू जो चार स्टेटमेंट में बताऊंगा, टू लुक विथ व्हाट इट इज, टू लुक विथ व्हाट इट इज, बी विथ व्हाट इट इज, एक्सपीरियंस विथ व्हाट इट इज, एक्सपीरियंस विथ व्हाट इट इज।
वो क्या है वो महसूस करो, हमारे सामने है प्रैक्टिकली मिल रहा है। तो बीएनबी चार्जेस रिक्वायर कब लगता है व्हाइल प्रोसेसिंग ऑफ हाई डेटा, जब हम कौन सा भी काम करते हैं। पूरा डीपली बताया तो आप तो काम पे इतना लग जाओगे, तो लगना ही चाहिए काम को। ये प्रोसेसिंग ऑफ हाई डेटा यानी कि ह्यूज डेटा है हमारे पास अपना, एज वी आर यूजिंग अदर ब्लॉकचेन, हमारा ब्लॉकचेन अलग है अभी। तो जब हमारे पास फंडिंग ज्यादा होगा तब अपना जब एक्सचेंज आएगा तब हमें कम लगेगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। नो बीएनबी चार्जेस बहुत सारे आगे जाके बहुत सारा राइटिंग में लिखा है, ये जब आप डेटा हाई होता है तब लगता है। सो मेंटेनेंस के लिए लगता है। अल्सो सर्टिफिकेट, अभी सर्टिफिकेट है लाइक ईयरली हमारा जो जीटीएस का सर्टिफिकेट आता है, अदर सर्टिफिकेट है एनुअल शोइंग इंटरनेशनल पर्पज अलोंग विद दैट क्लाउड फेयर, क्लाउड फेयर भी सारा बहुत सारा चार्जेस लगता है, वो भी कर रहा है। अभी वाई चार्जेस वाई क्लियर करेंगे हम यहाँ पर, पूरा टेक्निकली अभी आप सीखोगे क्या हमारा कितना काम चालू है। वाई चार्जेस ट्रांजेक्शन फी सर दो टाइप के इसेंशियल पर्पज पे लिया जाता है। ये जो होता है समझो बीएनबी जो चार्जेस है दो टाइप के टाइप पे लिया जाता है, इसेंशियल्स होता है। व्हेन जब ब्लॉकचेन का नेटवर्क होता है उसके अंदर आता है, व्हेन इट कम्स इन ब्लॉकचेन नेटवर्क्स, ब्लॉकचेन के नेटवर्क में आता है तब उसको फी लगता ही है। आपको पता है बिनांस में ट्रांजेक्शन करते समय भी लगता है, डिपॉजिट करते समय भी लगता है, विड्रॉ करने के टाइम पर लगता है। वहां पर हम बात नहीं करते, वहां पर फी ले रहे, वहां पर जब हम यूज लेते हैं यूजिटी ले रहे बीएनबी ले रहे वहां पर भी लगता है, लगता है कि नहीं लगता। तब वहां पर पूछते हैं कि इतना चार्जेस क्यों लिया, व्हाई वी आर टेकिंग। तो यहां पर ब्लॉकचेन के लिए लगता है। दे रिवॉर्ड माइनर्स और वैलिडेटर्स यानी कि वैलिडेशन जो होता है प्रोसेस वो हेल्प्स कंफर्म ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन कंफर्म करने के लिए भी वो प्रोसेस है, वो डीपली प्रोसेस है, कंफर्म हो गया आपका यानी कि वो डेटा में स्टोर्ड हो चुका आपका सिक्योर है, एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम द स्पैम अटैकर्स। आपको ये पता नहीं होगा, जिनको पता है उनको सलाम। जो अटैकर्स है इसके प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये यूज किया जाता है, मल्टीपल है। फी कैन बी स्मॉल और लार्ज, फी जो होता है कम भी होता है और लार्ज भी होता है, ज्यादा भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क एक्टिविटी। मैंने पहले बताया था जैसे नेटवर्क एक्टिविटी थी, डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क एक्टिविटी। फी कब लिया जाता है, जब कभी कभी फी कौन सा भी होता है, कम भी होता है ज्यादा भी होता है, आपको एक्सपीरियंस आया है कम भी था ज्यादा भी आपने दिया है, डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क एक्टिविटी। और दूसरा है मार्केट ऑल्सो फोर्सेस इफ कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मीन्स प्रभाव, ये होता है। फी यू पे एंड हाई फी ऑल्सो हैंडर, हैंडर यानी कि जब ये होता है अटकाव आता है, बाधाएं आती है, ये मराठी में कहते हैं अड़थड़ा, हिंदी में कहते हैं अटकाव, बाधा लाना। ब्लॉकचेन एडॉप्शन फॉर द सिक्योरिटी पर्पोजेस, इतना सिक्योरिटी पर्पोज के लिए ये कभी कभी हाई लिया जाता है। मोस्ट ब्लॉकचेन सिस्टम फी आर इसेंशियल पार्ट है, ब्लॉकचेन जो है उसमें फी जो इसेंशियल पार्ट है आपने बहुत सारा देखा होगा, सिंस देयर शुरुआत इंसेप्शन यानी कि शुरुआत है, ये शुरू में लेना होता है, इंसेप्शन माने शुरुआत स्टार्टअप। मोस्ट ब्लॉकचेन सिस्टम फीज आर इसेंशियल पार्ट सिंस देयर इंसेप्शन स्टार्टअप टाइम पर लिया जाता है। वाइल कब यानी कि हम भेजते हैं डिपॉजिट करते हैं और जब विड्रॉ करते हैं तब, ये बाइनेंस में भी होता है तो या भी होता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हो जाएगा लीव इट। और हम वाटर जैसा फ्लो होना चाहिए, वाटर जैसा, जैसे वाटर हिमालय से लेके फ्लो होता है वैसे हम हमारा थॉट्स भी फ्लो हो रहा है, ऐसे हम भी फ्लो करना पड़ेगा, हो रहा है फ्लो है, फ्लोइंग ऑफ थॉट्स फ्लोइंग ऑफ लाइफ, ऐसा चल रहा है तो चलना है, चलना आगे चलो। मेजोरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर ट्रांजेक्शन फी फॉर टू रीजंस, फी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्पैम ऑन द नेटवर्क, म्हणजे यहां पर क्या होता है जो स्पैम्स होता है नेटवर्क में वो कम करने के लिए भी
चार्जेस लिए जाते हैं। इट ऑल्सो मीन्स लार्ज स्केल स्पैम अटैक्स, बहुत सारा अटैक्स भी होता है। देखो इतना सिक्योरिटी हमारा पीयूष मेटा दे रहा है, इसलिए कॉस्टली और एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको पता है इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या लगेगा, चार्जेस कितने लगेगा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टॉकिंग विद द ब्लॉकचेन डिपार्टमेंट। आपको पता है ये कैसे बात किया होगा कि हमारा पीयूष मेटा ये ब्लॉकचेन में बीएनबी भी ले लो, उसका भी प्रोसेस होता है ना। और आगे जाके तो और है बहुत सारा है। दीज आर इंसेंटिव्स फॉर अदर और यूजर्स टू हेल्प वेरीफाई करने के लिए और वैलिडेशन के लिए। देखिए आपका सवाल का जवाब यहां पर है। थिंक नेटवर्क रिवॉर्ड भी और हेल्पिंग द नेटवर्क डिपेंड ऑन द नेटवर्क ट्रैफिक, ट्रैफिक भी होता है। कंफर्मेशन प्रोसेस फास्ट होता है, कभी भी हाई लिया तो फास्ट प्रोसेस होता है। ओके नाउ ये लास्ट वाला पेज है, इसलिए आपका जो बीएनबी है वो कभी कम होता है कभी ज्यादा लिया जाता है, वो ब्लॉकचेन के लिए जाता है। हमारा बीएनबी है इसलिए वेट एंड वॉच करो और बहुत अच्छे तरह से आने वाला अर्ली बर्ड ऑफर है उसके लिए तैयारी करो, पूरा बी रेडी फॉर दैट। 10 डेज लेफ्ट होता है, आपको पता है परलवाइन ने इंटीमेशन देता है, हम वापिस आ रहे 4 दिन में आ रहे, 8 दिन में आ रहे, 1 महीने में आ रहे। टाइमर भी लगा था, कितना इंटरेस्टिंग टाइमर लगा रहता है। जब चालू हुआ कितना सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जब एमरल्ड आया, जब एक्सेलसियर आया, टाइमर ये कहीं देखने को मिला नहीं है, ऐसा सॉफ्टवेयर कहीं नहीं मिला। तो यहां पर आज तक वो कन्वर्ट तो हुआ है, तो पीवीसी मेटा में आया है, वो भी इंटरेस्टिंग है। पीवीसी मेटा उसमें अभी अपडेशन में आ रहे, अभी अर्ली बर्ड ऑफर आ रहा है। मेरा आवाज आ रहा है, कोई रिप्लाई दे दो, एनीवन? थैंक यू, नहीं तो मैं बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द रिप्लाई, सुन रहे। अभी अर्ली बर्ड ऑफर, सीड फंडिंग में 50% दिया है, आपको पता है। वैसे यहाँ पर भी हो सकता है, एनीथिंग पॉसिबल, एनीथिंग। अभी भी इम्प्लीमेंटेशन चालू है अर्ली बर्ड ऑफर का, जब आएंगे तो भी नोटिफिकेशन भी देगा, दे सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द नोटिफिकेशन। सो जब जब जरूरी पड़ा आपके सवालों का जवाब देने के लिए, हमारे भारत के जितने सारे लीडर्स है, के बी दुर्गा साहब है, हमारे महासेनापति सुनील जी पाटिल साहब है, विजय जी नाम्बेर जी है, फिर पाठक साहब जी है, फिर कर्नाटका आंध्रा पिंकी मैडम है, अमित सर है, फिर बहुत लॉट्स ऑफ लीडर्स है कर्नाटका आंध्रा, जब हम मिले लॉट्स ऑफ है लीडर्स, उनको सलाम। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, हम भी वहां पर थे, इतना मेहनत, सागर जी सुमन साहब है, इतना सारा मेहनत करते हैं, कोई भी सवाल हो, इतना सारा सवालों का आपको रिप्लाई भी मिला है और सिस्टम ने किया भी है और भी करेगा, इतना आपके लिए कर रहा है, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं, जो भारत के जिन्होंने पूरा इतना इफोर्ट्स करके दोनों को भी धन्यवाद, यह यूनियन बनाया आपके लिए बनाया, आपका पूरा क्लेरिफिकेशन, आपका वेरिफिकेशन, आपका ब्रेन में जितना सारा क्वेरीज है वो अभी वो पूरा डिलीट कर दो क्वेरीज। वो मैंने बोला कि वाटर फ्लो जैसा होता है वैसे अपना सिस्टम काम कर रहा है। अभी भी आज भी 4 दिन पहले पर्लवाइन का वेबसाइट खुला है, वहां पर भी दिखाया है फ्री गेमिंग जोन कमिंग सून। क्या दिखाया है? फ्री गेमिंग जोन कमिंग सून, कमिंग सून तो कमिंग सून है। जितने अभी मैंने दोस्तों को बताया, अरे तुम तो पत्ते का गेम खेल रहे हो, कौन सा? रमी का गेम खेल रहे हो, तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है, वहां पर खेलो और रिवॉर्ड भी ले सकते हो, माइट भी कुछ भी ला सकता है, और एंट्री भी कुछ भी फ्री एंट्री है, वहां पर भी छुपा हुआ राज भी है, हो सकता है हो सकता है अभी फ्री में दिखाया है, एंट्री फ्री गेमिंग खेलो और एंट्री करो, जो पहले बताया था वही कर दिया है उन्होंने, बोला था उन्होंने सिस्टम ने, बहुत सारे लीडर्स ने बोला भी था कि आ रहा है लेके आएगा, कई लीडर्स ने बोला था कि फ्री में आएगा कुछ, तो
फ्री एंट्री, ये देखो गेमिंग कैसे होगा पता होगा, गेमिंग खेलने के लिए, और वहां पर भी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स मिलेगा। फिर डीपी के बारे में भी, वो भी कुछ ना कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर, आपका पूरा फ्यूचर इसमें सिक्योर है। इसलिए अर्ली बर्ड ऑफर जो है उसका फायदा ले लो, अर्ली बर्ड ऑफर अपकमिंग गेम्स दैट एंड फ्री फॉर प्ले अलोंग विद द मेनी फीचर्स कमिंग सून, मेनूज और फीचर्स है वो भी कमिंग सून है। ड्यूरिंग अपडेशन वी हैव टू वेट एंड वॉच, अपन मन तो ना कीजिए, हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। आपको आपके सामने है, 4 साल हो चुके हम यहाँ पर टिके हुए, 4 साल पूरा 2019 जनवरी 2020 से लेकर आज तक, कितने लॉकडाउन लग गया तब भी हम काम करते थे, खेती में भी काम करते थे, खेती में जाके ज्वार होगा नहीं तो बजरा होगा, वहां से भी स्टार्टअप किया था कॉलिंग, 500 कॉल किया हमने जब लॉकडाउन लग गया, तो वहां से शुरुआत, क्योंकि पर्ल माइन ने हमें दिया है सच में, पीवी सीमेंटा भी दे रहा है और ज्यादा दे रहा है, कम नहीं दे रहा है। कई लोगों का एक टोकन से लेकर 1000 टोकन हो चुके, बहुत सारा हो चुका है, 1 रुपये का 10 रुपये हो चुका है, 12 रुपये हो चुके, ये तो आप ना नहीं कह सकते, इसे एक्सेप्टेंस जरूरी है। यस आई गॉट दिस अमाउंट, यस मुझे मिला है, यस आई गॉट दिस, देन व्हाई आर वी आर क्राइंग फॉर द बीएनबी चार्जेस, व्हाई? आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है कि इतना बड़ा आपको करोड़ में मिलने वाला है, तो आपके थॉट्स को चेंज करना जरूरी है। मेक अ पॉजिटिव थिंकिंग इन योर लाइफ, ब्राइटनेस। ये जून महीना यानी कि मई और जून जुलाई आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहेगा, सिर्फ वेट एंड वॉच जो सिस्टम कर रहा है पूरा। हाँ आपके सामने बहुत सारे लीडर्स है बात करने के लिए, है तो होता है अप्स एंड डाउन्स, तो ये तो प्रोसेस है, लाइफ इज अ प्रोसेस। सो यहां पर फोकस ऑन द प्रेजेंट वर्क करो, प्रेजेंट ड्यूरिंग अपडेशन भी बोला था, फोकस ऑन प्रेजेंट वर्क, डोंट फोकस ऑन दैट यू डोंट हैव, फोकस ऑन व्हाट यू हैव, आपके पास जो है उसके ऊपर फोकस करो। अपकमिंग मंथ्स आर टर्निंग पॉइंट है, आपके पास टाइम है, जिसको बहुत सारा एग्जांपल दिया है, जिसको करना है वो करेगा, जिसको लड़ना है वो लड़ता है, 7 बार नीचे गिरेंगे पर 8वीं बार लड़ेंगे। इसलिए हम सलाम करते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज इनको, जिन्होंने बहुत सारा करके दिखाया है खुद, इसलिए हमें आगे जाना है, लड़ना है, और बेसिक वर्क फोकस करो काम पर, दैट्स इट। हाँ हेल्पिंग नेचर है, हम भी अभी भी सर का फोन आया था, मैसेज आया था, तो मैंने रिप्लाई दिया, सर कितना बजे, 8:30 बजे या 8 बजे, क्योंकि मुझे भी काम था, मुझे भी मीटिंग लेना था, मीटिंग भी ले लिया, फिर से ट्रैवल कितना आवर्स का, 2 आवर्स का ट्रैवल करने के बाद 7 बजे मैं पहुंचाऊं घर पर, और घर पहुंचने के बाद थोड़ा सा काम करके फिर से ऑन बोर्ड, फिर से कॉल करिया सर को। ये काम का तरीका होना चाहिए, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप 100% देना, एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, सरेंडरनेस, जैसे आप आज स्पेशल डे है, चाय के बिना कुछ नहीं, यानी कि इसलिए आपको सभी को चाय डे, यानी कि चाय जो है, चाय जैसे हम पीते हैं, जैसे हम दिल से पीते हैं ना, अदरक का चाय, हमारे महाराष्ट्र में गौती चाय बोलते हैं हमको ऐसा, तो जैसे हम चाय पीते हैं ऐसे बहुत सिर कर, उसमें जैसे दिल लगाकर चाय पीते हैं ना, वो महसूस होता है अंदर, वैसे पीवी सीमेंटा को महसूस करो। आपको चाय डे की शुभेच्छा, और आपको पीवी सीमेंटा में आगे जाके बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं। मेरा यहाँ पर सेशन रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच, हैंड ओवर टू होस्टिंग, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू हमारे सुनील जी पाटिल साहब और हमारा पूरा महाराष्ट्र को, और आपको सभी को धन्यवाद इतना अच्छा तरह से सुन लेने के बाद। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा है आगे, और बल्ले बल्ले, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, लव यू ऑल, ग्रेट 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 बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन।
बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन से सर ने अपना टेक्निकल सेशन हम सबों के बीच में दिए, और मैं चाहूंगा कि एक बार और सर के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। ग्रेट सर, सुपर, एक्सलेंट, बहुत बेहतरीन, एक्सलेंट सेशन आज का, टेक्निकल सेशन, और बिल्कुल, और जी, और आदरणीय नामियार साहब, मैं चाहूंगा कि आगे का सेशन के लिए क्या क्वेश्चन आंसर लेना है या ग्रेट डायनेमिक लीडरों को बुलाना है, मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे प्लीज, क्योंकि 11 बज चुके हैं। लीडर्स को बुलाइए। जी, ग्रेट सर, गाइड करने के लिए थैंक्स। चलिए, इस मंच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर्स बने हुए हैं, एक सेकाल महारथी इस इंडिया से बने हुए हैं। बिल्कुल समय को विलंब किए हुए मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर लखनऊ की धरती से, हमारे अशोक वाजपेयी साहब। सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। वेलकम सर, आपका वेलकम, स्वागत, वंदन है। वेलकम, कम ऑन द स्टेज सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मैं पीवीसी कम्युनिटी यूनियन के इस प्रेशियस प्लेटफॉर्म को सैल्यूट करता हूं, और इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित बहुत सारे हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर, हमारे मार्गदर्शक विराजित हैं। मैं अब नाम लूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, तो मैं सबको बिना नाम लिए सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आज प्रशांत खेडकर सर जी ने बहुत अच्छे ढंग से हम पूरी कैसे क्या क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बता दिया, हमारे परलवाइन सिस्टम पीवीसी मेटा के बारे में बहुत कुछ बता दिया, ट्रस्ट वॉलेट के बारे में, बाइनेंस के बारे में, और इसकी फंक्शनिंग के बारे में, और चार्जेस बीएनबी का क्यों कटता है, कैसे कटता है, कहाँ जाता है, इस सब कुछ उन्होंने बता दिया। बहुत ही अच्छे ढंग से बताया स्मार्ट चेन के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, पूरा लिख के चार्ट हमारे सामने रख के उन्होंने सब कुछ इंस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के बारे में बहुत कुछ बताया। अगर उसको दोहराएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इतने बढ़िया ढंग से, इतने अच्छे ढंग से और इतने सरल शब्दों में उन्होंने ये सारी चीजें हम लोगों के सामने रखी, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, ट्रस्ट वॉलेट क्या है, ये इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, बाइनेंस क्या है, रोड मैप के बारे में आपने बताया, सिंस 28 जुलाई से लेकर के अप टू डेट आज तक के लिए टिल डेट तक उन्होंने सब कुछ रखा, टेक्निकल अपडेट्स के बारे में बताया, डाटा सर्वर, नोड सर्वर आज के बारे में बताया। तो बहुत कुछ उन्होंने बता दिया। मैं यूं कह सकता हूं कि प्रशांत खेडकर सर जी ने गागर में सागर उड़ेल दिया है। सब कुछ जिसको कुछ भी जानकारी नहीं रही होगी, आज जिसने ध्यान से प्रशांत खेडकर सर जी के इस उद्बोधन को, इस ओरेशन को सुना होगा, तो बहुत कुछ वो जान गया होगा, सीख गया होगा, हमारे सिस्टम के बारे में, पीवीसी मेटा के बारे में, बीएनबी के बारे में, ट्रस्ट वॉलेट के बारे में, बाइनेंस के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, स्मार्ट चेन के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो गई, और सीड फंडिंग कैसे होती है, क्या होती है, और टोकन फार्मिंग आदि के बारे में। तो जितनी भी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, वो कम होगी। और हमारे पीवीसी कम्युनिटी यूनियन की मंशा ही यही है, कम्युनिटी फॉर्मेशन, कि हम सब कुछ सीखें, जाने, समझें, और कहीं से कोई अगर प्रॉब्लम हमारे पास आती है, हमारे सामने आती, कोई समस्या आती है, तो हम सब यूनाइट होकर टुगेदरनेस के साथ वो समस्या को हम सिस्टम से अनुरोध करें, बताएं ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जिससे सिस्टम उसका निराकरण कर सके, उसका शमन कर सके, वो समस्या दूर कर सके, जिससे हम सहजता के साथ, सरलता के साथ आगे बढ़कर अपना काम कर सकें, जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य की तरफ उन्मुख हो सकें, और यहाँ से काम करते हुए हम धन अर्जित कर सकें। तो पुनः मैं इस शानदार कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और हमारे उपेंद्र सर जी बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं, मैं उनके होस्टिंग का कायल, की हर चीज का मैं कायल हूँ, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और जितनी भी प्रशंसा उनके उद्बोधन की, उनकी होस्टिंग की, यानी वो हर विधा में बहुत ही पारंगत हैं, तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनकी प्रशंसा कर सकूं। तो आगे का मंच कार्यवाही के लिए मैं उपेंद्र सर जी को सौंपना चाहता हूं। आइए सर जी, आगे के मंच की कार्यवाही को संचालित है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, और बिल्कुल आपने सही कहा सर, पीवीसी कम्युनिटी का
वाकई में मनसा यही है कि हम सब आगे बढ़ें, सब आगे बढ़ें और सभी आगे बढ़ें। चलिए बिल्कुल समय को जाया नहीं करेंगे और हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर छत्तीसगढ़ की धरती से बने हुए हैं हमारे जी आर साहू साहब, मैं चाहूंगा। हेलो हेलो उपेंद्र जी, उपेंद्र जी सुनिए, नए नए लोग लीडर है उनको लीजिए, ठीक है, जिन्होंने लास्ट टाइम में बात नहीं किया इनको लीजिए, हमारे अतुल गौड़ जी है, जमला राम जी है, तब उनको लीजिए, गोपीनाथ जी है, बिल्कुल बिल्कुल सर, गाइड ठीक है, जिन्होंने अतुल गौड़ जी को, हमारे अतुल गौड़ जी है उनको लीजिए, इनवाइट करिए पहले जी, बिल्कुल ठीक है सर, और जिन्होंने लास्ट टाइम बात किया उनको इन्वाइट नहीं करिए, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए तो हम बुलाना चाहेंगे बिना समय को विलंब किए अतुल गौर साहब बने हुए हैं, आइए सर आपका वेलकम स्वागत, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम 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 अतुल सर, वेलकम 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 मोस्ट वेलकम सर, आइए स्वागत है आपका सर, वेलकम वेलकम अतुल सर, स्वागत है आपका। जी 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 नमस्कार, आप लोगों को काफी लंबे समय सुन रहा था, पहले तो मंच पे उपस्थित सभी लोगों को सादर नमस्कार, सभी का अभिनंदन। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो आ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए सुन के बड़ा अच्छा लगा, प्रकाश खेड़कर जी ने जो अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया वाकई लाजवाब था, पूरा मैं सुन रहा था उनका और बहुत अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है कि जो मंच पर जितने भी लोग हैं आज शायद उनको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और उस जानकारी से ये लोग भी कुछ बेनिफिट उठाएंगे, और मंच पे हमारे एक से एक धुरंधर लीडर इस समय उपस्थित है, तो मेरे हिसाब से सभी लीडर्स के सामने मैं ज्यादा क्या बोलूंगा, ऐसा कुछ खास बोलने के लिए नहीं है, लेकिन सारे एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं, यूनिटी के साथ हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रही बात सिस्टम के प्रति विश्वास की, तो हम लोगों का जो विश्वास है वो वाकई अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसी विश्वास के साथ हम लोग डटे हुए हैं और लगातार कंटिन्यूसली हम लोग काम भी कर रहे हैं, और शायद इसका हमें रिजल्ट भी बेहतर मिलना चाहिए और मिलेगा भी, ऐसा मैं भी उम्मीद करता हूँ। इस महीने मई के मंथ में जो सिस्टम ने अपडेट पे जाने के बाद जो परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत लंबे समय से हमने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी थी सिस्टम के प्रति, लेकिन इस बार जो मई में अपडेट के बाद जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा और कंटिन्यूसली के साथ परफॉर्म कर रहा है, ये अपने आप में कुछ ना कुछ संकेत है कि सिस्टम कुछ ना कुछ बड़ा करने की मंशा से लगातार वर्किंग कर रहा है, वरना ऐसा होता था कि कभी सिस्टम 10 में से एक काम कर दिया, 9 काम हमारे पेंडिंग है, हम लोग मायूस हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, लेकिन इस बार सिस्टम ने बिल्कुल भी हम लोगों को ये कहने का मौका नहीं दिया है कि जहां से हमें ये लगे कि सिस्टम हम लोगों के लिए या सिस्टम प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है। हर 2-3 दिन के अंदर कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई चीज नई, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, उसको ठीक करना, हर 2-4 दिन के अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम कंटिन्यू करता जा रहा है, ये हम लोगों के लिए एक अच्छा साइन है, और हम लोगों को अपनी इसी उम्मीद के साथ बेहतर तरीके से सिस्टम में काम करते रहना है। और जो मुझे लग रहा है कि लगभग इस महीने में जो हम लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट थी, शायद सिस्टम उसको लगभग कंप्लीट कर चुका है, केवल एक ही रिक्वायरमेंट जो मोस्टली है अभी पीबीसी मेटा फार्मिंग पेस से बिडोल की और सीड फंडिंग से बिडोल की, शायद वर्किंग के लिए केवल यही बैलेंस बची हुई है, और वो भी मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में बिडोल भी शायद सिस्टम स्टार्ट कर देगा, क्योंकि 30 मई तक का इसने लास्ट टाइम दे रखा है सब कुछ अप टू डेट करने का, आज 21 मई लगभग होने जा रही है, तो 1-2 दिन में जहां तक है बिडोल स्टार्ट कर देगा, और बिडोल स्टार्ट होने के बाद शायद हम लोगों के लिए वर्किंग पे फोकस बेहतर तरीके से करके और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की तरफ जो कंसीडरेशन करना चाहिए वो ही हम लोगों के हक में बेहतर है। और विड्रॉल स्टार्ट जैसे हो जाता है उसके बाद सिस्टम हमारा अर्ली बर्ड ऑफर को लेके भी कुछ बोला है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, लेकिन वो 30 मई को ही शायद हम लोगों को पता चलेगा कि जब ये लॉन्च होगा कि अर्ली बर्ड ऑफर में क्या दे रहा है हम लोगों को, क्या नहीं दे रहा है, लेकिन इतना जरूर मेरा मानना है कि जो भी देगा बेहतर देगा,
जो भी देगा बेहतर देगा, अपने यूजर्स के हित में देगा। साथ में अभी pearlwine.com पे भी इसने जो गेम लिख के आ रहा है कमिंग सून, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और जहां तक मेरी अपनी समझ कह रही है, pearlwine.com की साइट से जो हम लोग गेम गेम जो आने वाला है, इस गेम को प्ले करके हम लोग इससे डिजिटल पॉइंट अर्न करेंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। गेम को प्ले करके डिजिटल पॉइंट अर्न करेंगे और डिजिटल पॉइंट अर्न करके हम अपने डिजिटल पॉइंट को कन्वर्ट कर सकेंगे पीबीसी मेटा में, और पीबीसी मेटा में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग चाहें तो पीबीसी मेटा को सेल आउट कर दें, हम लोग चाहें तो पीबीसी मेटा को पैनकेक स्वैप पे जाके यूएसडी में कन्वर्ट करके इससे सीड फंडिंग कर लें, हम लोग चाहें तो इस पीबीसी मेटा से फार्मिंग कर लें। सारे रास्ते अर्न करने के बाद यहाँ खुले हुए हैं, जिसको अर्न करके सेल आउट करना है वो सेल आउट कर जाए, जिसको सीड फंडिंग करनी है सीड फंडिंग कर ले, जिसको फार्मिंग करनी है वो फार्मिंग कर ले। तो कम से कम विदाउट एनी सिंगल पाई इन्वेस्टमेंट एक और अपॉर्चुनिटी हमें जो है 1 जून से देखने को मिलेगी, कि 1 जून तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ मतलब जून के महीने में कंफर्म मिलेगी, क्योंकि 30 मई सिस्टम ने खुद कहा है। तो आई होप कि 30 मई के बाद सिस्टम जरूर 2-4 दिन आगे पीछे इसको भी स्टार्ट कर देगा, और यहाँ से हम लोग बिना कोई इन्वेस्टमेंट के मेटा अर्न कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और दूसरा, अर्ली वर्ड का ऑफर इसके पास है ही, विड्रॉल सिस्टम दे ही देगा, और जिस तरीके से सिस्टम वर्किंग कर रहा है इस समय तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो मुझे लग रहा है कि ये जून का जो महीना है ना, ये हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इसमें सिस्टम ऐसा लग रहा है मुझे कुछ बड़ा करने की मंशा से है। और उसमें अगर हम लोग देखें तो जो मैं अपने आप से एनालिसिस करके चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक तो सिस्टम जो काफी लंबे समय से अपने खुद के स्वैप की बात करता रहा है कि अपना स्वैप लाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक तो ये जून के महीने में अपना स्वैप 100% लेके आने वाला है सिस्टम, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा, काफी लंबे समय से क्वाइन मार्केट कैप पे लिस्टेड होने की भी बात चल रही है। तो दोस्तों मुझे ये लग रहा है, एक तो स्वैप वाला काम और एक ये जो क्वाइन मार्केट कैप वाला है, ये दो काम इस जून के मंथ में 100% शायद सिस्टम कंप्लीट करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर ये हो जाता है, क्वाइन मार्केट कैप में हम लोग लिस्टेड हो जाते हैं, तो आप समझ लेना कि एक भूचाल आएगा, भूचाल काम में इतनी तेजी आ जाएगी। और ये उन लोगों को नसीहत होगी, इस मंच पर जितने भी लोग उपस्थित है ना, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सिस्टम की गंभीरता को समझ लो, सिस्टम की ताकत को समझ लो, वरना आने वाले समय में सिस्टम के साथ आपको चल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस मंच पे जितने भी लोग हैं या मंच के बाहर जो भी, जहां तक भी मेरी बात जाएगी, मैं सभी भाइयों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि बहुत समय ये जो है ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और खास तौर से वर्किंग के लिए हम लोगों को वर्किंग पे फोकस करना चाहिए। सिस्टम तो हमारे साथ जो जितना बेहतर हो सकता है उतना करेगा ही, लेकिन वर्किंग मस्ट है। और अगर हमारी वर्किंग स्ट्रांग होगी तो चाहे स्वैप आए, चाहे अर्ली बर्ड ऑफर आए, चाहे क्वाइन मार्केट कैप आए, हम लोग इफेक्टिव होने वाले नहीं है, हर चीज का हम लोग बेनिफिट उठाएंगे। बेनिफिट उठाने से कौन लोग रह जाएंगे? जो नॉन वर्किंग है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने 100-200 BUSD से फार्मिंग कर ली, 50 BUSD 100 BUSD से सीड फंडिंग कर ली। तो 50-100 BUSD से सीड फंडिंग करने वाला या 100-200 BUSD से फार्मिंग करने वाला, क्या तो वो डेली इनकम अर्न कर पाएगा, क्या वो वीकली इनकम अर्न कर पाएगा, और क्या वो मंथली इनकम अर्न कर पाएगा? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो, अगर हमें यहां से डेली
वीकली या मंथली इनकम अर्न करना है तो हमें सीरियस होना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, हमें टीम भी बनानी होगी, तब कहीं जाके हम डेली वीकली और मंथली इनकम के बारे में हम सोच सकते हैं। अगर 100-200 से फार्मिंग करके 50-100 से फंडिंग करके अगर हम बैठ जाएं और ये उम्मीद करें कि हमें 10-20 हजार या 30 हजार रुपये महीने यहाँ से मिले तो हाउ कैन इट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सीरियस होना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग मंथली इनकम के बारे में सोच सकते हैं। बहुत सारी कॉल्स मेरे पास आती हैं, लोग कहते हैं अरे सर क्या हुआ, हमने तो वो 100 BUSD से फलाना कर दिया, हमने 50 BUSD से ये कर दिया, हमने 200-300 BUSD से ये कर दिया। तो मैं कहता हूँ भैया 200-300-400 BUSD से अगर आपने कर भी दिया तो कोई बात नहीं, फिर आप आराम से बैठिए, घर बैठिए, जरूरत क्या, डबल होके आपको मिल जाएगा, मिल जाता, आप अपने शांति से उसको लो और उसको कैश करो, छुट्टी करो। फिर यह मंथली वीकली और पर डे की इनकम के बारे में मत सोचो। और मैं तो इस मंच के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई 200-300 BUSD लगा के यहाँ काम करके अगर इनकम के बारे में सोच रहा है तो भैया बेहतर है वो छोड़ दे इसको, इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दे, यहाँ पे 100-200 BUSD लगा के या फार्मिंग करके कोई मंथली और आपको वीकली इनकम मिलने वाली नहीं है। अगर मंथली और वीकली इनकम लेनी है आपको तो कंटिन्यूटी के साथ हम लोगों को यहाँ काम भी करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद कहीं आप लोगे। अब मेरी ही बात करूँ, चलो मैं मेरी ही बात करता हूँ, पर डे का चलो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 BUSD मुझे आ रहा है फार्मिंग से रिवार्ड, 100 BUSD मुझे आ रहा है, तो क्यों आ रहा है मुझे 100 BUSD? मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा तभी तो आ रहा है, मैंने टीम बनाई होगी तभी तो आ रहा है ना। अब अगर मुझे 100 पर डे आ रहा है तो जब मैं 100 पर डे अर्न कर सकता हूँ BUSD, तो कोई दूसरा 10 BUSD क्यों नहीं अर्न कर सकता पर डे भाई? काम करके, मेहनत करके, टीम बना के, इन्वेस्टमेंट करके, अरे 10 BUSD तो पर डे अर्न कर सकते हो। अगर पर डे आपने 10 BUSD भी अर्न किया तो महीने का 300 हो गया, 9 × 3 = 27, 90 रुपए के रेट से भी लगाओ तो 27,000 रुपए पर मंथ के आप बंदे हो गए। तो भाई 27-25-30 हजार रुपए भी कम थोड़ी होता है, लेकिन 25-30 हजार के लिए भी एफर्ट्स तो करना पड़ेगा, बिना एफर्ट्स करे बिना तो ये अमाउंट मिल नहीं सकती है। तो बिना काम किए बिना काम किए यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, काम करना पड़ेगा। दूसरा, इस मंच के माध्यम से मैं हर लीडर से, हर वर्किंग लीडर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया मिनिमम से मिनिमम 500 BUSD प्लस से हमारी फार्मिंग होना बहुत जरूरी है। हमारी टीम में अगर हमारे नीचे जितने भी लोग हैं उनको भी हमें बताना पड़ेगा कि मिनिमम 500 प्लस से आप फार्मिंग करो, तब कहीं जाके यहां से कुछ आउटपुट आप ले पाओगे। कम से कम मेरा मानना 500 प्लस बहुत जरूरी है इनकम लेने के लिए। तो हम लोगों को ये करना चाहिए, सिस्टम ने हमें इतने लंबे समय से, चलो मैं कहता हूं अब लोग ये कहते हैं कि यार सिस्टम तो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा, तो मैं कहता हूँ चलो आपके मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, मुझे भाई साहब कोई दूसरा सिस्टम बता दो हिंदुस्तान में, आप बताओ, चलो मैं उसमें काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अठन्नी चवन्नी बटोरने नहीं जाऊंगा किसी और सिस्टम में, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे बारे में खुद के कि 100 BUSD पर डे चलो मेरी इनकम है, इतनी इनकम चलो मुझे किसी सिस्टम से दिलवा दो, मैं दूसरे सिस्टम में चल रहा हूँ, लेकिन अठन्नी चवन्नी बटोरने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी बड़ा बड़ा मतलब डीपली स्टडी की है मैंने और सिस्टमों के बारे में। तो मैं इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो पर्लवाइन और PVC मैठा हो सकता है ना, बेस्ट प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में आपको दूसरा मिलने वाला नहीं है। अब समझ आपकी है, डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। दूसरा सबसे अहम बात फिर रिपीट कर रहा हूं कि बिना काम करे, बिना टीम बनाए, बिना इन्वेस्टमेंट किए, कहीं भी चाहे ये प्लेटफॉर्म या कोई भी हो, इनकम आने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें मंथली इनकम जनरेट करनी है तो काम करना पड़ेगा,
काम करना पड़ेगा, बिना काम करे हमारी गत नहीं सुधर सकती है, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके पैसा नहीं कमाया जा सकता, रेगुलर काम करके, रेगुलर बने कंटिन्यूटी के साथ बने रहने से जरूर हम लोग पैसा अर्न कर लेंगे। अगर आज हम 100 BUSD अर्न कर रहे हैं कंटिन्यू लगे रहेंगे तो 150, 200, 300, 400 पे भी जाएंगे, लेकिन रेगुलर हमें लगना पड़ेगा। अगर मेरी बात सब भाइयों को समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ कि इतनी देर आप लोगों ने मुझे सुना है, धन्यवाद। ग्रेट सर, ग्रेट सर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत शानदार सर, बहुत तरीके से वर्क करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट। आदरणीय मुझे गाइड करें नेक्स्ट किसको बुलाना है, दुर्गा साहब आदरणीय। जी चलिए हमारे महेश मिश्रा जी, महेश मिश्रा जी उनको इनवाइट करिए, जमला राम जी इनवाइट करिए। जी महेश मिश्रा साहब बने हुए हैं, आइए सर आपका वेलकम स्वागत बंधन, वेलकम सर, वेलकम 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 महेश मिश्रा साहब, वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम वेलकम। जमला राम सर को बुला लो सर, महेश सर नहीं आ पा रहा। चलिए कोई नहीं, हमारे जिमला राम साहब बने हुए, महेश जी आइए आइए, महेश साहब वेलकम है सर आपको, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम कमल जी स्टेज सर, वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है जिमला राम जी को बुला लीजिए जी, जी बिल्कुल सर, और हो सकता है अनम्यूट करके करना ही बेकार है, नेक्स्ट टाइम से इनको अनम्यूट कर देंगे पूरी तरह से। चलिए कोई नहीं, आ नहीं सकते तो क्या जरूरत है। जी जी सर, जमला राम साहब बने हुए, आइए सर आपको वेलकम स्वागत बंधन अभिनंदन सर, जमला राम साहब वेलकम वेलकम वेलकम, कमान दिए स्टेज सर प्लीज, कमान दिए स्टेज सर, वेलकम 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 सर, वेलकम। जितने जने इसके पार्टिसिपेंट पूरे इंडिया लीडर्स सबको धन्यवाद सर, ये मंच चलाने के लिए बहुत दुर्गा सर एंड विजय नाम्बियार सर बहुत कमिटमेंट से काम कर रहे सर, सबके भलाई के लिए काम कर रहे हैं, एक को मालूम एक को नहीं मालूम हर चीज। आज सर टेक्निकल बारे में बहुत अच्छा नॉलेज दिए, मेरे को भी सीखने का मौका मिला, और अतुल सर जी सर टेक्नोलॉजी के बारे में बोले, सर प्रैक्टिकल नॉलेज दिए, दोनों अगर दोनों जोड़ दिए तो हम बल्ले बल्ले इंडिया को, इंडिया में हम सबको अपॉर्चुनिटी देने के अवकाश हमारे को मिल रहा है, ये मौका को छोड़ दिए तो हम बहुत मुश्किल में जाने वाले हैं। लाइफ टाइम चलने वाला एक ही एक सिस्टम है, मैं 4 साल से इस सिस्टम को स्टडी कर रहा हूँ, हम एक सोचते हैं सिस्टम एक सोचते हैं, सिस्टम का नॉलेज हम लेने के लिए बहुत बार ट्राई कर लिए, हम सिस्टम को कैच नहीं कर सकते, क्यों बोलते हम, मैं भी बिजनेस मैन हूँ, मैं केवल हमें बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं, मैं केवल सिस्टम और एक उसका सोच अलग है, उस पे ऊपर हम दिमाग लगाना छोड़ दिया हमें, क्यों बोलते जो सिस्टम बोला है वो काम करना, अगर नहीं मालूम है तो मैं दुर्गा सर से सीखने को बहुत 4 साल से ऑलरेडी दुर्गा सर से हर हर उन्होंने जब मीटिंग में आया, जब मीटिंग में आके सुन के सीखने को बहुत कोशिश करता हूँ, मेरा काम प्रैक्टिकल जाना है, प्रैक्टिकल काम सीखे तो ही काम, नहीं मालूम है सो चीज सीख के आगे बढ़ना है, मैं के लाइफ लॉन्ग रहने वाला सिस्टम यही है, मैं ऊपर वाले से वो प्रेयर कर सही है, मेरे को वही लगता है लाइफ टाइम काम पैसे इज्जत नहीं जाना बोले तो यही सिस्टम है, बहुत सिस्टम आते हैं मार्केट में जा रहे हैं हमारे लोगों ही क्या, अब फिर भी घर ऑफिस 100% होगा, घर ऑफिस 100% होगा, सब जने आके मौका को उठाना, किधर भी डुप्लीकेट सिस्टम में भी पैसे कमा के फाइनल इधर ही आके पैसे डालने वाले हैं, वो तो सबको मालूम है सर,
बहुत अच्छा एनालॉजी दे रहे हैं, दुर्गा सर को, विजय नाम्बियार सर को, पिंकीशा मैडम को, बहुत बड़े बड़े लीडर्स है, इनसे सोबजने से मेरा ज्ञान सीखने का बहुत मौका मिल रहा है, मेरा काम आगे कैसे बढ़ाना मैं वो प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर, मेरे को समय दिए, थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और हमारे बहुत बेहतरीन शेयरिंग। हमारे महेश मिश्रा, आदरणीय महेश मिश्रा साहब का भी माइक ऑन हो गया है, आइए सर आपका भी वेलकम स्वागत, आदरणीय वेलकम, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आठ लगे की सो गए हमें, जब साइड में फोन रखा हुआ था ध्यान नहीं दिया, सुबह एक्चुअली सुबह 5 बजे से उठा हुआ था, हम भास्कर सर का मीटिंग था तो उसमें भी जुड़े थे, बाहर ट्रैवलिंग भी काफी हो गई तो थोड़ा सा हो गया सर, कान में लगा करके ध्यान में नहीं रहा, सो गए थे। सॉरी, मैं सभी से माफी चाहूंगा, कुछ बातें मैं सुन पाया कुछ सुन नहीं पाया। सभी को गुड इवनिंग, ऑल माय पीवीसी मेटा कम्युनिटी यूनियन के सभी मेंबर्स, जो भी डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, जो भी प्रशांत सर ने शुरुआत में जो भी बातें, मिश्रा जी थोड़ा लाउडली बोलिए या स्पीकर को, फोन के स्पीकर को करीब लाइए, आपकी आवाज बड़ा सुनली आ रही है। सर अभी ठीक है क्या, कि बाहर निकल के फिर जोड़ना पड़ेगा, कभी फोन आ जाते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, अभी आवाज आ रही ठीक सर? यस सर, सर जी सर, जी सर, एक मिनट सर, वापस निकल के ज्वाइन कर। सर अभी आवाज क्लियर है सर? सर यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। तो सर कुछ बातें जो भी थी जो बोलनी थी वो थोड़ा सा नींद के चक्कर में सब बातें रह गई, केवल सुनना ही सुनना था कि भाई जो भी आज हो रहा है, डेवलपमेंट जो हो रहा है पहले से काफी बेटर हुआ है, बिजनेस जो अपडेट नहीं हो रहे थे वो बिजनेस भी सब अपडेट्स हुए हैं, और बारीकी से अगर देखें तो जैसे अभी जयमला राम जी बता रहे थे या जो भी बातें हुई, पॉइंट टू पॉइंट जो सर कैलकुलेशन है, जो सारी चीजें जो चल रही हैं वो बाहर मार्केट में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन लोगों को क्या है, सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी भी चीज का, ये नहीं है कि भाई आज किया तो कल हो जाए, ऐसा नहीं, आज किया तो अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, नहीं तो फिर सिस्टम खराब है, सिस्टम अच्छा नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रॉपर अपडेट नहीं है। बाहर मार्केट में जिनको पैसे लेके भागना होता है उनके सॉफ्टवेयर इतने प्रोफेशनल होते हैं कि आप कोई भी चीज करो तो तुरंत सारी चीजें वहां पर अपडेट्स आ जाती हैं। तो ऐसे कुछ चीजों को लेकर के थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है, लेकिन हम लोगों का जो बारीकी से जो काम हो रहा है तो जो लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट और लेफ्ट नहीं देख रहे, या फिर यूं मानिए कि जिनका बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया या जिनके बड़े ड्रीम्स हैं, जिन्होंने अपने सपने सजा लिए हैं, जिनका मंच पूरी तरह से सज चुका है, तो उनको दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जो पूरी तरह से पीवीसी मेटा को अपने ब्लड में उतार लिए हैं, बिजनेस बना लिए हैं, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वो कहीं राइट लेफ्ट नहीं भागते हैं। लेकिन जिनकी आदत हो गई है मंकी जंप करने की, थोड़े दिन यहां देखते हैं थोड़े दिन वहां देखते हैं, जो ट्रस्टवर्दी किसी के साथ रह नहीं सकते, ऐसे लोग ही छोड़ छोड़ के भागते हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, उनकी टीम को भी डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं जितने लोग जाना है चले जाएंगे, जो रुके हैं वो सारे क्रीम पीपल हैं, और वो क्रीम पीपल के अंदर सबके अंदर इतनी ताकत है कि सब जगह से फिर से लोगों को वापस ला सकते हैं, बशर्ते कभी कभी अपने भी थोड़ी सी गलतियां होती हैं इसलिए लोग नहीं बचा पाते, लेकिन पेशेंस थोड़ा सा रखेंगे तो सर लॉन्ग टर्म में हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत अच्छी टीम को लेकर के आगे भी चल सकते हैं। बस छोटे मोटे जो किंतु परंतु हैं तो कम्युनिटी यूनियन के जरिए जो भी हमारे टॉपर्स हैं, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हमको आ रही है वो सभी को आ रही है, और ये सारी प्रॉब्लम्स अगर सुलझते जाए चैटिंग के जरिए, किसी भी चीज के जरिए, तो थोड़ा सा आदमी का विश्वास जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम सुलझती नहीं है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम जो भी डेवलपमेंट कर लें, चाहे जितनी फार्मिंग कर लें, चाहे जितनी बड़ी टीम बना लें, अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, कोई अपनी सुनने वाला ही नहीं है। कभी कभी इस तरह की छोटी सी नेगेटिविटी आदमी को पूरी तरह से खराब कर देती है, फिर उसमें आकर के कोई ना कोई उसको मिर्ची मसाला लगा करके और उसका जो है माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। तो छोटी मोटी बातें होती हैं, थोड़ा सा लोग डाइवर्ट होते हैं, लेकिन
यहाँ पर जितने भी सर लीडर्स हैं, एक एक लीडर्स को अगर ध्यान दिया जाए तो वो लोगों को डाइवर्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी व्यक्ति के साथ में बैठ जाएं तो उसको पूरी तरह से वो क्लियर कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे कोई भी बात करें, हम भले अंदर से हमारे अंदर कोई भी बात हो, लेकिन सामने तो हम उसको ऐसा कन्विंस कर देंगे कि वो कभी भी हमको ये बोल ही नहीं सकता कि यार नहीं है, ऐसा नहीं, ये जो बोल रहे थे वही सही। तो यहाँ पर सबके पास में ताकत है, बशर्ते इस कम्युनिटी यूनियन के जरिए या जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग जुड़े हैं, तो इसके अंदर जो भी हमारी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो समय पे सुलझ जाया करें, बस इतनी ही बात रहती है। इस वजह से हम लोग कभी कभी बातें बोल नहीं पाते हैं, किसी के साथ अपनी बातें रख नहीं पाते हैं। तो इतना थोड़ा सा अगर ध्यान रहे सब लोग, अगर इस चीज पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें, बाकी तो हम अपना पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। सिस्टम के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम पॉजिटिव कर सकते हैं, एक नेगेटिव माहौल से पॉजिटिव में कैसे जा सकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकते हैं, हर आदमी अपना दिमाग लगाने की पूरी कोशिश करता है और यहाँ पर अपनी टीम को भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा सर, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब भी हूँ, बाकी कुछ बातें हैं तो फिर मैं। ग्रेट सर, ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू सर, ग्रेट, बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन सर, और बिल्कुल आपने सही कहा, जिसको जी बिल्कुल जिसको ट्रस्ट नहीं है वही मंकी जंप कर रहे हैं, डोंट वरी सर, और हम सब आगे बढ़ते रहेंगे, हमारी कम्युनिटी के हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे, और समय भी हमारा बिल्कुल करीब आ चुका है। तो मैं भी चाहूंगा कि सर हमारे दुर्गा साहब, आदरणीय दुर्गा साहब आएंगे और अपनी बातें। अरे आप भी डिसीजन लीजिए ना, आप तो क्या मीटिंग में रहते नहीं है क्या, रहते हैं ना, आप भी डिसीजन लीजिए जी, जी एडमिन पार्ट से इनवाइट कर लीजिए किसी को भी, लास्ट टाइम भी आप थे, लास्ट टाइम कौन बोला उनको छोड़ गया, तो इनवाइट करिए नए लोग हैं, या तो लास्ट टाइम फाउंडर मेंबर को ले लीजिए, अभी जिनको भी लेना एडमिन पार्ट से ले लीजिए बस। चलिए चलिए सर, बिल्कुल आदरणीय हमारे जीएस घड़ियाल साहब बने हुए हैं, मैं चाहूंगा कि सर आएंगे अपनी बातों को रखेंगे। आइए सर, आपका वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, वेलकम सर, वेलकम 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 सर, वेलकम। उपेंद्र सर सॉरी मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारा एक लीडर आज मिस हैपनिंग हो चुका है, वहां पर मैं हूं और बोल नहीं पाऊंगा, थैंक यू। चलिए कोई नहीं सर, का थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए सर जो से बोल नहीं पाएंगे को भी ले ले सर, हमारे सरवन दीदी जी है दिशा में जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मैडम जी को लीजिए जी, बिल्कुल नारी शक्ति से मैं लेना चाहूंगा आप पिंकी शाह मैम को। आइए मैम, आपका वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्लीज वेलकम मैम, वेलकम पिंकी शाह मैम, वेलकम 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 वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, वेलकम, जबरदस्त होस्ट आज के हमारे उपेंद्र सर, आवाज आ रही है मेरी जी, थैंक यू मच। में हमारे तमाम ग्रेट डायनेमिक लीडर्स, फाउंडर्स, लीडर्स, हमारे हम सभी के गाइडलाइन होल्डर दुर्गा सर, विजय नामबियार सर और तमाम एडमिन पार्ट सभी को मैं एक साथ नमन करती हूँ। आज का सेशन बहुत शानदार रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उपेंद्र सर आपकी होस्टिंग बहुत शानदार है, हमें भी मुझे लगता है कि हमने इस मंच पे आपको पहली बार सुना है, लेकिन बहुत शानदार। बाकी बहुत सारी बातें अभी अतुल गौड़ सर बोल के गए हैं, उससे पहले मैं प्रशांत सर को तहे दिल से धन्यवाद करूँगी, हालांकि बाय प्रोफेशन वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उसके मद्देनज़र उन्होंने जो आज सेशन रखा है टेक्निकल सेशन, अपने ही अंदाज में अपनी राइटिंग में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हमारा ब्लॉकचेन काम करता है, यकीनन हम सभी को बहुत नॉलेज हुआ इससे, एक तो बाय प्रोफेशन और दूसरी उन्होंने जो अपने सेनापति का नाम रोशन किया है सुनील पाटिल साहब का, सच में उनके जो अपलाइन है हमारे सुनील पाटिल सर सच में सेनापति कहलाने लायक है, क्योंकि बहुत शानदार प्रशांत सर की, पाटिल साहब की टीम काम कर रही है, इफ वट किंतु परंतु उन लोगों के डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं है, और मुझे लगता है कि ऑल इंडिया में जितना अच्छा टीम वर्क हो सकता है वो अभी सुनील पाटिल सर अभी एक नंबर पे उनका टीम काम कर रहा है। और बड़ी सारी बातें अभी हमने और भी लीडर से सुना, जैसे अभी हमारे महेश मिश्रा सर बोल के गए हैं, इससे पहले जेमला राम सर बोल के गए, अशोक वाजपेयी सर बोल के गए, बाकी तमाम चीजों में एक बात नजर आती है, सबसे पहले तो इस मंच को बधाई कि अभी आपको रोड मैप दिख रहा है, बहुत दिन पहले से आपको pvcmeta.io पे आपको रोड मैप नहीं दिखता था, जो पहले आप देख पाते थे अभी वो खुल गया है, अभी आपको कंप्लीट रोड मैप दिखेगा,
मे भी उसको मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं, तब तक मेरा मैंने ओपन ही किया था कि नाम अनाउंसमेंट हो गया, तो सभी को बधाई। शाम में कुछ टेक्निकल एरर आया, महेश मिश्रा सर जिस तरह से अभी बोल के गए उस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूंगी कि प्रशांत सर को अगर आपने पूरा सुना होता तो मे भी जो बातें अभी आपने कहा वो आंसर जरूर मिल चुका होता, जो अतुल सर ने कंप्लीट मुकम्मल बातें इस मंच को कही है। वो ये है कि अभी शाम में कुछ एरर भी आ रहा था सिस्टम में, तो इफ बट किंतु परंतु जिन लीडरों के मन में है, मे भी वही लीडर अभी रुके हुए हैं जिनके मन से ये मतलब अगर इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत दूर तक जाने वाला है, जिनके अंदर में ये विश्वास है, ये भावना है। और एक चीज अभी मिश्रा सर ने कहा कि जो लोग इधर उधर दूसरे प्लेटफॉर्मों पे जाते हैं तो वो जल्दी नेगेटिव होते हैं, एक और कारण है मुझे जो लगता है, जो अतुल सर ने भी कहा है, कि वो ये है कि जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं सवाल उनके ही ज्यादा होते हैं, जिनके पास बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो उनके पास सवाल नहीं है। जस्ट लाइक बीएनबी क्यों कटा, सीड फंडिंग से फार्मिंग में क्यों जा रहा है, फार्मिंग से फिर हम जब लेंगे अपने वॉलेट में वहाँ भी चार्जेस लगेंगे, इसके अलावा हम फार्मिंग करते उसमें भी चार्जेस दे रहे हैं, सीड वैल्यू मिल रहा है उसमें भी जा, मतलब दुनिया भर की नेगेटिविटी ऐसे ही लीडर बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल किसी को बुरा नहीं लगे इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमें बड़ा करना है लाइफ में और बहुत बड़ा सोचा है, बड़े ख्वाब लेकर आए हैं, चाहने को तो हमें सिस्टम से उम्मीद है कि हम मिलीनियर कब बनेंगे, हम बिलीनियर कब बनेंगे, करोड़पति अरबपति कब बनेंगे, लेकिन जब हम कहते हैं कि दाव पे क्या लगाओगे सिस्टम के लिए, आप दाव पे क्या लगाओगे, तो खाली जेब दिखा दिया जाता है कि नहीं लगाने के लिए कुछ नहीं है। तो साथियों जब लगाने के लिए दाव पे कुछ नहीं है तो यकीन जानिए पाने के लिए भी कुछ नहीं मिलने वाला है। सच में अगर आप 100 200 400 200 BUSD लगा के या 500 तक भी अगर आपने लगा के फार्मिंग किया है तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं, आपका मिलियन बिलियन बनने का ख्वाब ख्वाब रह जाएगा, ये कभी पूरा नहीं होने वाला है। अगर जस्ट लाइक पीवीसी मेटा हमारा जस्ट लाइक समंदर है, आप वहाँ गए हो और समंदर का पानी अमूमन खड़ा होता है लेकिन यहाँ पे नमकीन है। अभी प्रशांत खेरकर सर ने सेशन लेते हुए एक बात कहा कि हिमालय से जब पानी निकलता है, गंगा जी निकलती है, तो उसका जो फ्लो है, उसका जो फ्लो है बहने का जो रुत है, उनका तरीका है, वही उसको बहुत दूर तक ले जाता है और सागर से गंगा से मिलाता है और नाम गंगा देता है। उसका बहने का अगर फ्लो नहीं हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, तो वो उसका नाम इतना विशाल नहीं होगा और वो इतना पवित्र भी नहीं होगा। तो बहते रहना चाहिए, सीखते भी रहिए और समय के साथ अपडेट रहिए। अगर आप अपडेट नहीं होते हैं, अगर आप सिर्फ पाना चाहते हैं और दाव पे लगाने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, तो यकीन जानिए आप आज जहाँ खड़े हैं मे भी कल भी वहीं खड़े मिलेंगे। आप समंदर पे खड़े हो के आप दूर से किनारा देखते हैं, चम्मच लेके गए हैं कि थोड़ा सा गंगा जल मेरे भी घर आ जाए, तो उतना तो आ जाएगा, लेकिन घर आते आते वो टिकेगा या नहीं पता नहीं है। साफ सुथरा शब्द यही है, क्योंकि जिंदगी में अवसर सबको मिलता है, कुछ लोगों को वो अवसर नजर आता है, कुछ लोगों को स्कैम नजर आता है, धोखा नजर आता है। जिनको धोखा नजर आता है वे फिर किस्मत को दोष देते हैं, एनवायरमेंट को दोष देते हैं, लीडर को दोष देते हैं, सिस्टम या कंपनी को दोष देते हैं, और कुछ नहीं बचता है तो वो भगवान और नसीब को भी दोष देते हैं कि नसीब में भी यही लिखा था। लेकिन जो जिनको अवसर लगता है वो सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मंच को धन्यवाद, जिसने मुझे सिस्टम में लाया उस अपलाइन को भी धन्यवाद, और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज तक अगर आप सभी के साथ और इस शानदार सिस्टम के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और बुद्धि मेरी ठीक ठीक काम कर रही है और आराम से मैं काम करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, इस परमात्मा का इसमें भी एक परमात्मा का असीम अनुकृपा है जिसके वजह से मैं बढ़ रही हूँ। और कभी मैंने कहा था अकेले ही चला था जाने वे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया, ये कोई बड़े लेखक ने कहा है देश की आजादी के लिए। तो सच में मैं पीवीसी मेटा पर्ल वाइन में मैं अकेले ही चली हूँ और मेरे साथ धीरे 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 टीम आती जा रही है, लगभग 1300 लोगों की टीम हो गई है। लेकिन यकीन जानिए आज भी वो टीम थोड़े बहुत फार्मिंग करके, कुछ ने तो एक्टिव भी नहीं किया, उन्हें ये डर है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। हम बोलते हैं जिस दिन ये डर खत्म हो जाए उस दिन जरूर आइएगा, लेकिन ये जरूर है कि उस दिन आपको अफसोस करने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो बहुत कुछ कहा जा चुका है इस मंच में और अब यकीन करने की जरूरत है, इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। 30 मई जो हमारा डेट है वो बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है।
जिनको आज भी जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, एक ही अपील है कि कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए, जी जान लगा देना चाहिए अपनी सीट फंडिंग में, फार्मिंग में और टीम बनाने में। जिनकी टीम नहीं बनती है उनको नॉलेज लेने की आवश्यकता है, क्योंकि विदाउट नॉलेज आप बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे। तो टाइम काफी हो चुका है और मैं अपनी बात अब यहाँ पे विराम जरूर दूंगी। सिस्टम जो कर रहा है, एक चीज हमेशा कहती थी मैं कि सिस्टम आपको अगर लगता है मन में कहीं से भी दिल के किसी कोने में लगता है कि मेरे रहने से सिस्टम चल रहा है, मेरे करने से सिस्टम चल रहा है, यकीन जानिए इस सोच को निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि सिस्टम अपने आप में काम कर रहा है। सिस्टम अपने लिए काम कर रहा है और अपने हिसाब से काम कर रहा है, बेहिसाब कर रहा है। इनफैक्ट अगर हमारे काम करते हुए हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है और हम उस प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं तो सिस्टम उसे भी दुरुस्त करने का काम करती है। इससे अच्छा और शानदार और प्योर सिस्टम मुझे नहीं लगता है कि धरती पे कोई और दोबारा होगा। आने वाला समय में ना जाने क्या होना है, लेकिन आज तो पीवीसी मेटा है, इसके टक्कर में कोई नहीं है। तो यकीनन इस पे हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है और तमाम लोग अपने अपने टीम को फार्मिंग पे तो जरूर फोकस जरूर कराएं। छोटी मोटी समस्याएं आती रहेगी, ये जीवन का पार्ट है। जिस दिन आपके जीवन में कोई समस्या ना आए तो आप मान लीजिए कि आप किसी गलत प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। अगर आपको समस्या आ रहा है काम करते हुए तो इट मीन्स कि आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं और सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र सर, आपने मुझे मौका दिया। मंच में उपस्थित सभी लीडर को एक साथ फिर से प्रणाम करते हुए अपनी वक्तव्य विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल बिल्कुल काम करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल मैम, और बिल्कुल समय भी काफी हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि अभी हमारे मैम बनी हुई है सारामणि मैम, चाहो मैम, मैं चाहूंगा कि मैम आएंगे अपनी बातें रखेंगे, उसके बाद मैं दुर्गा साहब को बुलाऊंगा। आइए मैम, आपका भी वेलकम स्वागत वंदना मैम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम मैम, वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया इस मंच पे, मैं सभी का आभार हूँ। सबसे पहले इस मंच में बैठे सारे को फाउंडर लीडर्स, सारे नारी शक्ति, सारे पार्टिसिपेंट को मैं प्रणाम करती हूँ। आज का मंच के बारे में अगर बताऊं, ये मंच पूरा आज लाजवाब था, बहुत ही नॉलेजेबल था, क्योंकि हम जो सिस्टम में बिलोंग्स करते हैं ये टेक्नोलॉजी के आधार पर है, तो हमको सारा चीज जानना जरूरी है। हम तभी नेगेटिविटी की ओर जाते हैं जब हमारे पास सही नॉलेज नहीं होता है। तो जो प्लेटफॉर्म पे अभी हम काम कर रहे हैं तो उसका सही जानकारी होना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के जो हमारे डायनामिक होस्ट उपेंद्र सर, बहुत ही लाजवाब होस्टिंग उनका रहा, बहुत ही सुंदर बातें और नॉलेज उनका भरा पड़ा हुआ है, बहुत शानदार तरीके से मंच को चला रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा जो आज प्रशांत खेड़कर सर आए थे, टेक्नोलॉजी मास्टर, बहुत ही शानदार जानकारी दिए लोगों का, बहुत सारा आज जो मन में था कि सिस्टम हमारा क्यों बीएनबी कट रहा है, कैसे ब्लॉकचेन चलता है, ट्रस्ट वॉलेट किसका है, कैसे चलता है, बाइनेंस से इसका क्या लेना देना है, बहुत सारे बातें, उसको दोहराना नहीं चाहूंगी। अगर जो भी इस मंच में वो सेशन देखा होगा, उनके बातों को गौर से सुना होगा, वो और सर ने बहुत मेहनत करके अपने हैंडराइटिंग में सब लिख के डायग्राम करके लेके आए और हमको समझाने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत खेड़कर सर, आपने आज शानदार बातें रखी, बहुत बड़ी नॉलेज शेयर की जो कि बहुत जरूरी था सभी के लिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 99% लोगों को ये टेक्नोलॉजी क्रिप्टो के दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं, इसीलिए लोगों को दिमाग में ज्यादातर नेगेटिविटी भरा रहता है। तो बहुत आपने शानदार बात रखे, साथ में हमारे अतुल गौर सर, हमारे अशोक वाजपेयी सर, महेश मिश्रा सर, बहुत जमला राम सर, बहुत शानदार बात रखे, बहुत ही, और पिंकी शाह मैडम, बहुत सभी का बात बहुत ही वैल्यूबल था, क्योंकि ये सब लीडर्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके सोच बड़ा है, इनका विजन बड़ा है और इन्होंने जो काम कर रहे हैं उसमें 1% का भी नेगेटिविटी नहीं है। जैसे हमारे पिंकी शाह मैडम अभी बता के गए, वही लोग चिल्लाते जो लोग कम फार्मिंग किए हैं, कम इन्वेस्ट किए हैं सीड फंडिंग में, वही लोगों के मन में ज्यादा सा नेगेटिविटी आता रहता है, और जो लोग बड़े अमाउंट पे इन्वेस्ट किए हैं
सिस्टम में कुछ पाने का, क्योंकि जिसका जितना बड़ा ड्रीम होगा, जिसका जितना बड़ा सोच होगा, जिसका जितना बड़ा विजन होगा, वो इन्वेस्टमेंट भी उसी तरह का करेगा, क्योंकि उसको रिटर्न में भी उतना उससे बड़ा लेना है। तो ऐसे ही मेंटालिटी जब हम डेवलप कर जाएंगे तो हम सक्सेस जरूर बनेंगे। लेकिन यही दुख की बात है कि लोगों के मन में वही विश्वास आ नहीं पा रहा है, लोगों के मन में वो बड़ा सोच वो लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, माइंडसेट में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपडेट नॉलेज नहीं है, ना ही वो रेगुलर तौर पे मंच पे आते हैं, ऑफलाइन से जुड़े रहते हैं, सही जानकारी के अभाव से एक्चुअली यही होता है, मैं बताऊंगी। लेकिन जो लोग अपडेट नॉलेज रेगुलर बेसिस पे रखते हैं, उनके मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि महीने में एक बार ट्रस्ट वॉलेट खोलते हैं, कब सिस्टम ने इंटरफेस में क्या परिवर्तन किया है, क्या दिया है, क्या हमको बेनिफिट दिया है, क्या हो रहा है, उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो यही लोग सिर्फ बहुत सारे टीम में लोग होते हैं, अभी तक भी वो लोग का मेंटालिटी में है सिस्टम हमको कब 32 लाख रुपया देगा। अभी पलवाइन बंद होके इतना दिन हो गया, फिर भी वही लोग सोच रहे हैं कि पीवीसी मेटा में भी आके उनको जो 50 बीयूएसडी का फार्मिंग किए हैं और 2-4 मेटा मिला है, उसमें उनको कैसे 32 लाख मिलेगा। अभी भी वो लोग वही सोच में पड़े हुए हैं। तो ये पूरी तरह से नॉलेज के अभाव से, मीटिंग की ना आने की अभाव से ही हो रहा है। तो मैं एक ही मैसेज दूंगी, समय का चैलेंज है, ज्यादा नहीं बताऊंगी, सभी को यही बताऊंगी कि रेगुलर, क्योंकि हमारा ये सिस्टम हमारे लिए नया है, अभी भी मेरे को लगती है कि मैं क्रिप्टो का कोई भी चीज जानती नहीं हूँ, हर दिन मुझे कोई नया चीज सीखने को मिलता है, मंच से हो, ऑफलाइन के थ्रू से हो, या सिस्टम के थ्रू से हो, कोई नया चीज सीखने को मिलता है। और जितना हम सीखते हैं उतना ही हमको आगे जाने के लिए रास्ता तैयार मिलता है। तो सीखते रहिए, सीखने का कभी अंत नहीं होता है, जो सीखता रहता है वही जीतता है। तो सीखते रहिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए सर, सिर्फ सीख कर घर बैठने से कुछ नहीं होता, सीखिए पूरी तरह से, पूरे मेहनत लगा कर काम कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, खुद कीजिए, अपने टीम को करवाइए सीड बॉन्डिंग, टोकन फार्मिंग, तो बड़े मात्रा से जरूर आप इस प्लेटफॉर्म से एक बड़े मात्रा में आप बेनिफिट ले पाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, सिर्फ समझ की देर है आपकी, और जितने जल्दी समझ जाएंगे उतना आगे जाएंगे। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सर बुलाने के लिए इस मंच में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उपेंद्र सर आइए सर, मेरे वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। जय ग्रेट, सुपरमैन, सुपर 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 सुपर, बिल्कुल जानकारी का अभाव है, मंच पे आना बहुत जरूरी है मैम, बिल्कुल सही बात आपने कहा, और समय भी बिल्कुल बिल्कुल, समय भी हमारा 11:30 से भी ऊपर हो गया। मैं चाहूंगा कि दुर्गा साहब आएंगे भी, और उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजर महोदय को मैं बुलाऊंगा, तो सभी लोग को, जितने भी सभी लोग सर का वेलकम स्वागत करें, सर आएंगे अपनी बातों को, आइए सर आपका वेलकम स्वागत। वंदन वंदन जी जी जी, थैंक यू पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, ग्रैंड वेलकम। साथियों सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो इस पीसी कम्युनिटी यूनियन मंच को मेरा कोटि कोटि नमन कर, और सभी उसके डायनामिक लीडर नारी शक्ति को भी मेरा कोटि कोटि नमन करूंगा और धन्यवाद भी कहूंगा। अरे आज के सेशन की बात किया जाए तो हमारे होस्ट महोदय उपेंद्र जी बहुत बहुत शानदार तरीके से आज के होस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के जो हमारे टेक्निकल सेशन लिए प्रशांत खेतकर जी का, उनका क्या कहना, आज बहुत सारी चीज़ें आपके सामने मेहनत करके उन्होंने बना करके पेपर में बना करके प्रस्तुत किया, ऐसे वो पीडीएफ फाइल से भी बताते हैं, स्क्रीनशॉट से बताते हैं, लेकिन आज हमारे बीच में बारी की नॉलेज जो उन्होंने दिया हमें पेपर के माध्यम से, खुद की यानी डिजाइनिंग के माध्यम से, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आज बताए कि सिस्टम क्यों फीस ले रहा है, सिस्टम में कैसे काम हो रहा है, अब पीछे आगे यानी पहले कैसे काम कर रहा था, अभी कैसे काम कर रहा है, और आने वाले समय कैसे काम करेगा, ने पूरी रूपरेखा जो है उन्होंने आपके सामने, हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। और यहाँ पर हमें किसी भी एंगल में डाउट होना ही नहीं चाहिए, डाउट होना ही नहीं चाहिए, ऐसा उनका पूरा कहना है। सही बात भी है, यदि हम छोटी छोटी फीस को लेकर के थोड़ा सा रोते जरूर है, यदि वही यदि हम ब्रॉड माइंड से सोचे तो सिस्टम ने वही डीपी को हमें आज 200% दे करके 90 रुपये के हिसाब से, मतलब 180 रुपया कन्वर्ट करके दे रहा, और वहाँ पर थोड़ा बहुत फीस लगेगा, तो उसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए है।
हमारे सिस्टम की उन्नति के लिए है। और दूसरी बात क्या है, बाइनेंस की बात उन्होंने बताया गया, जो चीज बाइनेंस ले रहे हो वहाँ हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, कुछ नहीं करते, ये भी फैक्ट बात है। आज के डेट में बाइनेंस को लूट एक प्रकार से लूट ही हो रही है, क्योंकि बाइंग का रेट 92 से लेकर के 90 से लेकर के 97 तक जा रहा है, और सेलिंग का रेट 87-88 से लेकर के 77-75 तक जा रहा है। एक प्रकार से इतना बड़ा मार्जिन डिफरेंस आज तक मेरा लाइफ में भी मैंने नहीं देखा था, मेरा लाइफ में नहीं देखा था। लेकिन ये क्यों हुआ, इस स्कैम के वजह से हुआ, इंडिया के में जो स्कैम हुआ, जो हो रहा है उसकी वजह से हुआ, लेकिन इसका फायदा बाइनेंस को भी बहुत बड़े रूप में ले रहा है, जबकि इसका फायदा हमें होना चाहिए। यदि ऐसा परिस्थिति आज के डेट में निर्माण है तो हमें अपनी कम्युनिटी को पूरी तरह से स्ट्रांग करना पड़ेगा, और हमारी कम्युनिटी के बीच में ही जो है BFD का बोलिए जो भी बाइंग सेलिंग जो है वो करना पड़ेगा उस समय के लिए, क्योंकि 92 से लेकर 95-97 में हम यदि BFD लेकर के यदि हम सेलिंग करने जाए तो 80 में 82 में यदि सेलिंग होता है कम करने जाते हैं तो हमारे लिए, हमारे टीम के मेंबर के लिए बड़ी दुख की बात है। ठीक है, हाँ खैर, तो आज हमारे प्रशांत केकर जी ने उन सब बातों पर पूरी तरह से फोकस किया है, और मुझे लगता है जितने भी लोग अभी आज उपस्थित हुए हैं सबका माइंड खुल गया होगा और सभी अपनी ताकत लगाएंगे, और हमारे अतुल साहब ने भी आकर के बहुत सारी बातें हमारे बीच में रखे कि हमें वर्किंग में कितना फोकस करना है, क्या करना, और सिस्टम ने क्या किया है और आने वाले समय में क्या करने जा रहा है। और एक बात हमारे प्रशांत खड़कर जी भी बोलते हैं कि जो हमारा डीपी सीड फंडिंग में सीड वैल्यू में गया है अभी तक वो हाईलाइट नहीं हुआ है, वो नोट सर्वर में लोड होता है, और उस नोट सर्वर में लोड हुआ है उस सिस्टम से देख करके जल्द से जल्द उसे अपडेट करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और ज़्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए, 1-2 दिन में वो हो जाना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। और रही बात विड्रॉल की, तो हमारे अतुल जी ने कह दिया है कि रिडीम जो है PVC मेटा का वो भी 1-2 दिन में होने जा रहा है, और बहुत सारा चीज़ अपडेट 30 तारीख तक हो जाएगा, और आने वाले समय बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में मिलेंगी। तो ये 3-4 चीज़ें जो है वो समय के अनुसार हो जाएगी और सिस्टम अपना काम करेगा, एक्सचेंज से लेकर बहुत सारी चीज़ें हमारे अतुल साहब ने कह दिया है। तो मैं भी यही आशा रखता हूँ और मेरा विश्वास भी पूरी तरह से है कि सिस्टम हमारे लिए आया है, हमारी कम्युनिटी के लिए आया है, और PVC मेटा हमारी ही कम्युनिटी का कॉइन है और हमारी ग्रो के लिए ही आया है, तो हमें पूरी ताकत लगाना है, अपने लोगों को लाना है, यही मेरा मानना है, और आगे बढ़ना है। हर किसी को सही बात भी अतुल साहब ने कहा कि 100 BFD से यदि हम करेंगे, यदि 20 गुना भी हमने रिटर्न ले लिया या 50 गुना भी रिटर्न ले लिया तो कितना होगा, 100 का $5,000, $5,000 अपने पूरे नहीं होते हैं। यदि हम वहीं पे $1,000 लगाते हैं और यदि 50 गुना का यदि रिटर्न मिलता है तो $50,000 होता है, उससे कुछ तो पूर्ति कर सकते हैं, और उसी को यदि हम मल्टीपल कंपाउंडिंग के मार्फत से रिफार्मिंग करते रहे तो एक बहुत बड़ा यानी असेट बन करके उभरता है और हमारे जितने भी सपने हैं सब पूरे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। रात बहुत ज़्यादा हो गई इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आज का सेशन बहुत बहुत लाजवाब रहा, जितने भी डायमंड लीडर आए सभी ने अपनी बात को रखे और बहुत बहुत दमदार तरीके से रखे, और उनको यदि फॉलो करके चले आज तो आपके हमारे सभी के सपने पूरे हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जय जय परलोन, जय पीर सुमिता, आइए सर। ग्रेट सर, सुपर 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 सर, सुपर, बहुत सुंदर, वाजपेयी साहब भी आए, अतुल साहब भी आए, जिमला साहब भी आए, महेश मिश्रा साहब भी आए, पिंकी मैम भी आए, श्रवणी मैम भी आए, अब ग्रेट हमारे आदरणीय दुर्गा साहब भी आए। अब हम चाहेंगे कि हमारी सेवा यहीं पे समाप्त होती है, और मैं क्षमा चाहूंगा, मैं पहली बार इस मंच पे होस्टिंग की है और मैं उम्मीद पे खड़े उतरने की कोशिश करूंगा, और इस कम्युनिटी को जितना भी हो सके हम सबको बहुत आगे तक लेकर चलना, कम्युनिटी की बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल विलम्ब किए हुए मैं चाहूंगा कि हमारे ऑर्गेनाइजर आदरणीय हमारे विजय नामदार साहब आएंगे,
और इस मंच को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। आइए सर, आपका वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है सर। वेलकम 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 सर, वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम ग्रैंड वेलकम सर, ग्रैंड वेलकम वेलकम। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन देख के मुझे इतना खुश हुआ कि हमारा जो स्वप्न है वो साकार हो रहा है, सब लीडर्स एक साथ एक मंच में, बहुत अच्छी बात है। और भी जो लीडर्स बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। भी देखे ये यूनिटी का ये स्ट्रेंथ है ना, ये बहुत बढ़िया है रहेगा। भी आतुल जी आज आके बात किए, कितना खुश लगा मुझे, बहुत अच्छा हुआ। और सारे लीडर्स, बाकी सारे लीडर्स, जमनाराम जी और सवनी साहब मैम, पिंकी मैम, सब लोग जो भी बात किए हैं, हमारा अशोक वाजपेयी सर और एक्सपीरियंस लोग, और सारे सारे लाइन पे लोग थे, और इसलिए बहुत खुश हुआ। और दुर्गा जी की बात भी बहुत खुश हुआ सुन के। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अतुल जी जो बोले हैं, भारत में ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, मैं बोलता हूँ इंटरनेशनली कहीं नहीं है। मैं एक बात अच्छी तरह बताता हूँ आपको, इंटरनेशनली बहुत सारे जामबवान हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और बहुत सारे रिस्क लेके बहुत सारे पैसे डालने वाले हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, वो लोग ऐसे ही $500 $1,000 $5,000 किसी को दे देते हैं। वो लोग बोलते हैं हम ट्रेडिंग करेंगे आपके लिए, हमें पैसा दे दो। ये लोग जाके डालते हैं उधर, रिस्क डालते हैं, और वो आदमी गायब हो जाता है। ये सब इंटरनेशनली हो रहा है। इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा लीडर है, वो बहुत कुछ कर रहा है। ऐसा इंटरनेशनल क्रिप्टो लोग है ना, वो लोगों को ये पता चल गया ना, बस फिर देखिए कितना बड़ा प्रवाह आने वाला है, पूरा दुनिया से आने वाला है। वो प्रवाह इतना होएगा हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, इतना इतना क्राउड आने वाला है। उन लोगों को ये पता नहीं है अभी तक। अगर इसका प्रमोशन हो गया इंटरनेशनली, फिर हमें ये सब पूछने की जरूरत ही नहीं होएगा। जैसे हमारा प्रशांत केटकर जी पावरफुली पावरफुली प्रेजेंट किया आज कि ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, दिखाने के लिए इतना टेक्निकली इतना स्ट्रांग चीज, इतना डेप्थ चीज बताया कि लोग अभी से कुछ नहीं बोलेंगे, ये चीप प्रोजेक्ट जैसा बात नहीं करेंगे। बहुत सारा चीज, सर्वर का बात, चार्जेस, ये सब लोगों को नहीं मालूम। ये लोग समझते कोने वाला सड़क में कोने वाला एक दुकान है ना, पान दुकान, ऐसा वाला समझता है लोग। क्यों चार्जेस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसा बैठ के पूछ रहे हैं। तो प्रशांत केतकर जी का आज का प्रेजेंटेशन इनका मन खोल दिया होगा, इनका दिमाग खोल दिया होगा। अभी से वो लोग ऐसा छोटे छोटे प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये अच्छी तरह समझना है। और उपेंद्र जी आपका होस्टिंग बहुत अच्छा था, आप ये नहीं बोलना आप पहली बार कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया। और आपको तो लीडर्स को बुलाना थोड़ा तकलीफ हुआ, बाकी सब पक्का किया आपने, बहुत अच्छी बात किया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, सब अच्छा था। और सारे लीडर्स, रवि साहब मैम, पिंकी मैम, सारे लोग बहुत अच्छे बात किए हैं। ये आज बहुत अच्छा सिस्टम था, ये जो हम चाहते हैं वो हुआ है कम्युनिटी यूनियन में, बहुत बहुत खुश हुए हम। और आज के वो जो भी प्रेजेंटेशन है प्रशांत केटकर जी का, उसका एक और बार मैं जिक्र करता हूँ, और कोशिश, और ये करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि ऐसे वाले बहुत सारा लीडर्स आ जाइए, ऐसा वाला बहुत सारा टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो जाए हमारे कम्युनिटी में, ऐसा बहुत सारा फील्ड में बहुत सारे लीडर्स हो जाए, बहुत अच्छा होएगा। क्योंकि मैं फिर से बोलता हूँ, इंटरनेशनली ऐसा वाला प्रोजेक्ट कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, मैं बोलता गारंटी से बोलता हूँ। हमने सात प्रोजेक्ट किया है अभी तक इंटरनेशनली, सात प्रोजेक्ट किया है, इंडिया का नहीं। उस सभी में जो भी नेगेटिव है वो सब का विजय कर दिया। हाँ जी बताइए विजय सर, प्रशांत जी का जो आज का जो ये था, जो भी अगर रिकॉर्डिंग हुआ है तो कल हम हमारे ग्रुप्स में सर्कुलेट कर देंगे, तो लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे जो भी उनकी बातें। हाँ, तो अगर रिकॉर्ड हुआ है तो ये, हाँ जी, थैंक यू सर। मैं भी सोचा, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग ही कर दिया है,
इसलिए सबको सहायता होगा कि जो भी मिस हो गए हैं और पूरे कम्युनिटी में किधर भी हो पीवीसी मटा के लोग, वो सब लोग देखेंगे, इसलिए वीडियो वीडियो का किया तो वो सब लेके हम कम्युनिटी यूनियन में ही डाल देंगे, उधर से सब लोग ले सकते हैं। तो अच्छा आइडिया है, वो हम पहले ही डिसाइड कर दिया, आप बोल दिया, बहुत अच्छा है। तो सारे सारे रिकॉर्डिंग हम नहीं डालते हैं, क्यों मालूम है? लोग ऐसा सोचते हैं रिकॉर्डिंग देख लेगा बोल के मीटिंग में नहीं आते, तो इसलिए सारे रिकॉर्डिंग नहीं डालते हैं, लेकिन आज का टेक्निकली सब लोगों को पता चलना है इसलिए डालेंगे, जरूर डालेंगे। और मैं एक और बार मैं बोलता हूँ, ये सात जो प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनली देखा है वो सबसे बढ़िया है ये, क्योंकि ऐसा वाला ही सिस्टम मैंने एक देख लिया वो भी फेलियर हो गया, लेकिन ये सारा कवरअप अभी प्रसाद केकर जी जो बोला ना, कवरअप किया है पूरा का पूरा कवरअप किया है और आगे जा रहा है बहुत केयरफुली, इतना इतना टेंटकल्स रख के जाता है, ऑक्टोपस जैसा है हमारा सिस्टम, देखिए टेंटकल्स होता है ऑक्टोपस को, ये पकड़ता है सबको, ऐसा सारी जगह देख रहा है। देखिए एक 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 और बात किसको पता नहीं है वो बोल देता हूं मैं, इसमें एक एक स्टेप है ना केयरफुली रखना है, क्योंकि इंटरनेशनली अभी बोलता हूं ना सात प्रोजेक्ट जो देखा है उसमें बहुत सारा गड़बड़ क्यों आया मालूम है? वो लोग दूरदर्शिता से नहीं देखा। ये सस्टेनेबिलिटी ये बहुत बड़ी बात है, ये इसलिए मैं बोलता हूँ इंटरनेशनली कोई भी क्रिप्टो वाले देख लेगा ना वो झपट के ऐसा पकड़ लेगा इसको। मैं भी उसके लिए प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश का प्रेजेंटेशन अरेंज करने का मैं अरेंज कर रहा हूँ उसका, तो क्या होएगा इंटरनेशनली ये प्रोक्लेम हो जाएगा, तो इसका उसका कुछ अरेंजमेंट मैं चेक कर रहा हूँ कैसे करेंगे। तो आप सब लोगों की सहायता से कम्युनिटी यूनियन से ही वो बनाएंगे, बड़ा बड़ा इंग्लिश सेशंस भी रखेंगे और बड़े बड़े लोग आ जाएंगे और क्रिप्टो के मॉन्स्टर्स आ जाएंगे, तो हम कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि पीबीसी मेटा जैसा एक प्रोजेक्ट मैं कभी नहीं देखा है, इंटरनेशनली कोई भी नहीं देखा होगा, उन लोगों को ये पहुंचना है वही काफ़ी है। तो अतुल गौर जी जो बोला है वो सही है, भारत ही नहीं इंटरनेशनली ऐसा वाला प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को जो भी आज प्रेजेंटेशन किया है, जो भी बात किए हैं, जो भी एकता से मिले हैं, हम ऐसा ही एकता से रहेंगे, जो भी नेगेटिव बोल रहे हैं और ऑपोजिट बोल रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं हमसे, वो लोग भी सीधा हो जाएं और कम्युनिटी यूनियन में आ जाएं। देखिए हमें हमारा एक ही दुश्मन होना चाहिए जो दूसरा सिस्टम करने वाला, हमारा अंदर में दुश्मनी नहीं होना चाहिए, हमारा अंदर पीवीसी मट्टा के अंदर कोई दुश्मनी नहीं होना चाहिए। मैं 100% गारंटी देता हूं, मैं सारा ईगो छोड़ने के लिए तैयार हूं, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, सबको आलिंगन करने के लिए तैयार हूं, ऐसे ही सब लीडर्स, हम सब लीडर्स हैं, हम सब लीडर्स इधर इकट्ठा हुए हैं, ऐसे ही मैं लीडर्स को रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा दुश्मन एक ही होना चाहिए जो पीवीसी मट्टा ना करके दूसरा प्रोजेक्ट करने वाला, लेकिन हमारा पीवीसी मट्टा करने वाले सारे के गलती और नेगेटिव और जो वीकनेस ये सब हम एडजस्ट करके हम सब लोग इकट्ठा और होना है। प्लीज आप सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोलिए, हमारा मीटिंग में 2000-3000 पीपल बैठना चाहिए, 5000 लोग आके बैठना चाहिए, तभी ये कम्युनिटी का स्ट्रेंथ दूसरों को दिखाएगा, टेलीग्राम का स्ट्रेंथ नहीं कम्युनिटी का, हम कम्युनिटी एक साथ बैठते हैं, हम सब एक साथ हैं, हम सब दोस्त हैं, हम कोई दुश्मन इधर नहीं है, ये हम बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे दुर्गा जी हमेशा हमें बोलता है, मैं तो शुरू से ही मैं बहुत बहुत दुख होता था कि लोग नहीं आते हैं, तो दुर्गा जी हमेशा बोलते हैं धीरे धीरे हम जाएंगे, धीरे धीरे हम जाएंगे, सब लोग आएंगे, ये बात अच्छा लगा मुझे। तो अभी भी उसी मुहिम में हम जा रहे हैं, सब लोग हम जाएंगे, सारे लीडर्स का है टेलीग्राम, किसी एक का नहीं है, हम सारे का है, अब सब यूनाइटेड होके आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए, और उपेंद्र जी आपको भी धन्यवाद, और हम आप सबके सहमति से समाप्त करेंगे, समाप्त नहीं होता है, अगले तरह हम मिलेंगे, तब तक विदाई लेंगे हम सब लोग, जय पीवीसी मेटा, जय पर्लवन बोल के विदाई लेंगे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय पीवीसी मेटा, जय पर्लवन, जय पीवीसी मेटा, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पीवीसी, वंदे, वंदे कम्युनिटी यूनियन, जय।